हेलो बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरी विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी प्रॉपर है ठीक है प्रॉपर है तो ओके लिख देना ठीक है अगर विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है तो आप ओके लिखना चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है <coughs> तो बेटा हमारा जो टॉपिक है आज ठीक है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन उस इस टॉपिक के अंदर जिसका वेटेज टू टू थ्री क्वेश्चन का वेटेज है इसके अंदर आज सिंगल शॉट में हम ब्लड फिनिश करने वाले हैं ठीक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं आपको टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी वहां से क्वेश्चन आता है नंबर वन नंबर टू ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें आर एच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पर, और नंबर थ्री ठीक है आपको ध्यान रखना है यहां पर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म और लिम्फेटिक सिस्टम क्योंकि यहां लिम्फेटिक सिस्टम भी इंक्लूड कर रहे हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट हार्ट वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है एक से दो क्वेश्चन ठीक है तो दोनों लेक्चर को मिलाकर के दो से तीन क्वेश्चन का वेटेज है ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं बेटा ब्लड से तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे ठीक है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पर यहां एनसीईआरटी को हम डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करते चलेंगे जिससे कि एकदम मेमोराइज हो जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम लेके चलते हैं बेटा तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लड तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड किया है जिसका ओरिजन क्या होगा अब ओरिजन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इसका ओरिजन मीजोटर्मल अगर हम ऑरिजन की बात करते हैं तो इट इज अ कनेक्टेड टिश्यू और ऑल कनेक्टेड टिश्यू का जो ऑरिजन होता है वो क्या होता है मीजो पहली बात अगर हम दूसरी बात करते हैं समझना अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड वही कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है इसके अंदर होता क्या क्या है इसमें 55 परसेंट तो प्लाज्मा देखने को मिलेगा और ओनली 45 फाइव परसेंट कॉरपर्स अगर हम कॉर्पसल्स की बात करते हैं तो यहां पढ़ने वाले हैं इरेथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट इरेथ्रो मतलब आप समझ गए होंगे रेड से है यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स ल्यूको मतलब व्हाइट से है मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और थ्रोम्बो टर्म होता है क्लॉट से यानी क्लॉट में ठीक है पार्टिसिपेट करने वाले सेल तो थ्रोम्बोसाइट जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इनको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इधर प्लाज्मा को कवर करने वाले हैं ठीक है बेसिक बात अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू जिसका ओरिजन मीजोडर्मल है बेटा ठीक है अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड यही लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल के केस में आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर और फीमेल के केस में अप्रोक्सीमेटली फोर लीटर फाइव लीटर हम टर्म यूज कर रहे हैं अगर देखें अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये एट परसेंट होता है ऑफ बॉडी वेट का अगर हम इसकी बात करते हैं फोर लीटर जो फीमेल में होगा ठीक है इन केस ऑफ फीमेल अच्छा ये भी ध्यान रखना है मेल के केस में एंड फीमेल के केस में और फोर लीटर बॉडी वेट का कितना होगा सेवन परसेंट ऑफ बॉडी वेट तो दो बातें ध्यान रखनी है फीमेल में जो होता है बेटा फोर लीटर मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर बॉडी वेट का एट परसेंट बॉडी वेट का सेवन परसेंट इसके अलावा पीएच और एक पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है आपको पीएच ऑफ ब्लड अगर हम ब्लड की पीएच की बात करते हैं तो आपको पता है इसकी पीएच वेरी करती है सेवन पॉइंट टू से लेकर के सेवन पॉइंट फोर तक पीएच होती है सेवन पॉइंट टू यानी थोड़ा नीचे क्यों होगी भाई ब्लड का वो पार्ट जहां पर सीओ टू कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सीओ टू कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो नो डाउट एच कंसंट्रेशन भी वहां ज्यादा होगी एच कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH थोड़ी नीचे होगी ठीक है यानी आप कह सकते हो जहां पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां pH अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट टू के नियर होगी और जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पीएच की अगर हम बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 7.4 के आसपास होगी बेसिक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अब हम एक एक करके डिटेल में लेकर के चलते हैं ठीक है डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे देन आगे बढ़ेंगे ठीक है अगर हम ब्लड को एक टेस्ट्यू में लेते हैं और सेंट्री कराते हैं तो सेंट्री कराने पर आप जानते हो क्या होगा जो भाई सेल वाला पार्ट है ठीक है कॉर्पसल्स वाला पार्ट है वो तो सेडिमेंट हो जाएगा प्लाज्मा वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर दो, आप कह सकते लेयर बनेंगे। एक में तो फॉर्म एलिमेंट होंगे 45 ब्लड की बात कर रहे हैं। और जो अपर वाला पार्ट होगा हो प्लाज्मा देखो तो यहां से यहां तक प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा भाई प्लाज्मा में हम प्रोटीन पढ़ने वाले हैं लगभग सेवन परसेंट प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में नाइनटी टू में नाइनटी टू नाइन दे रखा है वाटर होता है और अदर सॉल्यूट में वन परसेंट ठीक है और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे आगे जो मैक्सिमम प्रोटीन होती है बस वो ध्यान रखना है आपको मैक्सिमम जो प्रोटीन होगी वो एल्ब्यूमिन होगी जो मैक्सिमम होगी एल्बमिन होगी और सबसे मिनिमम होगी वो प्रोथोम्बिन बस ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम पर फोकस करना मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम प्रोटीन होती है प्रोटीन तो होती, होती है और सबसे कम अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट फोर से टू पॉइंट सिक्स तक होगी रिमेनिंग बचे हुई जो पॉइंट में रह जाएगी पॉइंट सिक्स के आसपास वो होगी बेटा प्रोथोमिन और िन और फेब्रिनोजन दोनों मिलाकर के और इनमें भी अगर पूछा जाए सबसे मिनिमम कौन सी होती है प्रोथोमबिन होती है बस मैक्सिमम मिनिमम याद रख लो है अब बात करते हैं वाटर है। तो ठीक है अदर सॉलिड तो अदर सॉलिड में क्या क्या आएगा अदर के अंदर आएगा न्यूट्रीएंट्स आएंगे न्यूट्रिएंट्स आएंगे वेस्ट प्रोडक्ट गैस एंड रेगुलेटिंग सब्सटेंस इस पर क्वेश्चन बनता है रिड्यूसिंग ऑर्डर में ठीक है अगर मैं आइंस की बात करता हूं समझना यहां क्वेश्चन बनेगा आइंस की बात करते हैं हम तो आइंस में मैं एक रिड्यूसिंग ऑर्डर लिख दे रहा हूं बस क्वेश्चन ऐसे आएगा ठीक है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा जो अमाउंट होगा ठीक है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं क्लोराडाइन से तो सबसे ज्यादा ब्लड में क्लोराडाइन होते हैं नंबर टू सोडियम आयन होंगे बेटा नंबर थ्री पोटेशियम आयन होंगे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैल्शियम आयन होंगे नेक्स्ट और उसके बाद भी अगर हम आगे चलते हैं ठीक है पीओ फोर फॉस्पेट आयन होगा सबसे कम हमारे ब्लड में होते हैं मैग्नीशियम आयन तो बस क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां बनेगा रिड्यूसिंग ऑर्डर पर मैक्सिमम आयन और मिनिमम आयन ठीक है तो ब्लड में आइन्स की कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है हा अगर साल्ट पूछता है साल्ट तो साल्ट में भी आप याद रखोगे ठीक है जो मोस्टली साल्ट होता है मैक्सिमम ध्यान रखना एच सी थ्री आइन बाई कार्बोनेट आइन अगर हम बाइ कार्बोनेटाइन की बात करते हैं तो बफर का काम करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है एक्ट बफर बोला भी था मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था जो सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम बाई कार्बोनेट बनाते हैं विच ऑल्सो एक्ट एज बफर ठीक है अगर हम न्यूट्रिय की बात करते हैं तो न्यूट्रिय देख लेते हैं अगर हम न्यूट्री की बात करते हैं तो न्यूट्रिय केस में आपको क्या देखना है भाई न्यूट्रिएंट में आप जानते हो शुगर भी होगा फैट भी होगा समझ रहे हो ना मेरी बात और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोटीन हम सेपरेट कर ही चुके हैं क्योंकि मेन तो प्रोटीन ही है ठीक है तो शुगर और फैट की भी देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए आपको यहां पर अगर मैं सुगर की बात करता हूं तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आप जानते हो एट्टी टू हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये मिनिमम वैल्यू तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी अगर मैं फैट की बात करता हूं अप्रोक्सीमेटली वन फाइव जीरो से लेकर के ठीक है वन एट जीरो अगेन मिलीग्राम पर डेसी लीटर नॉर्मल वैल्यू तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी हाँ अगर बेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये आपको पता है इस पर क्वेश्चन भी आता है यूरिया ठीक है एक्सेट्रा पर मिली हम यूरिया पर फोकस कर रहे हैं इस पे क्वेश्चन आता है जो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो थर्टी मिलीग्राम पर डेसी लीटर ये बेसिक वैल्यू नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा भाई मेजर बफर कौन होता है ये ध्यान रखना है रिड्यूसिंग ऑर्डर में पूछेगा ये याद रखना है शुगर की नॉर्मल वैल्यू फैट की नॉर्मल वैल्यू यूरिया की नॉर्मल वैल्यू क्योंकि आप जानते हो शुगर की वैल्यू इससे अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डायबिटीज मलाइटस ठीक है आप जानते हो ठीक है और फैट की वैल्यू की बात करते हैं इससे इंक्रीज हो जाएगी तो डिफरेंट टाइप के ठीक है आप कह सकते हो एक कार्डियक डिसऑर्डर ठीक है जो एथेर की वजह से जो लीड होते हैं वो सारे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है यूरिया आप जानते हो अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा ठीक है तो यूरिमिया हो जाएगा यूरिमिया होता है तो कहीं ना कहीं भाई ब्लड की पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा ब्लड की पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा तो आरबीसी के शेप में भी चेंज आएगा और आप जानते हो आरबीसी के शेप में चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा इकिलियो साइटोसिस हो जाएगी शेप चेंज हो जाएगा और वो लीड करती है एनेमिया क्योंकि एबनॉर्मल शेप के आरबीसी को मैक्रोफेस खत्म कर देंगे एनेमिया हो जाएगा पर बेसिक आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है एनसीआरटी ने भी बेसिक इंफॉर्मेशन की ही बात की है रेगुलेटरी सबस्टेंस के अंदर तो आप ही गए हॉर्मोन्स ठीक है एटसेट्रा तो अब ये बेसिक आपको याद रखना है इसके बाद हम बात करते हैं कौर्पसल्स। तो कौर्पसल्स में क्वेश्चन बनता है रिड्यूसिंग ऑर्डर तो मैक्सिमम अमाउंट किसका मिलता है आप जानते हो रेड ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं तो इनकी अगर हम एनसीआरटी की वैल्यू की बात करते हैं फाइव से लेकर के फाइव पॉइंट ठीक है फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर एम एम क्यू इतना अमाउंट होता है आरबीसी का मैक्सिमम नंबर वन आरबीसी नंबर टू पर आते हैं प्लेटिलेट अकॉर्डिंग टू एनसीआर बात करते हैं तो 1.5 से 3.5 पॉइंट लाख पर एमएम क्यू ये प्लेटिलेट काउंट होती है हमारे ब्लड में और सबसे कम होते हैं ल्यूकोसाइट ओनली और ओनली सिक्स टू एट थाउजेंड पर एमएम क्यू थाउजेंड्स में तो रिड्यूसिंग ऑर्डर पर क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों का रिड्यूसिंग ऑर्डर मैक्सिमम अमाउंट किसका मिलेगा आपको ब्लड के अंदर बस ये याद रखना है मैक्सिमम आर बी सी नंबर सेकंड पर कौन आएगा प्लेटिलेट्स नंबर थर्ड पर कौन कौन आएगा डब्ल्यू बी सी सबसे कम डब्ल्यू बी सी होंगी और डब्ल्यू बी सी में भी रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछेगा कभी कभी इसको ऐड कर देता है तो डब्ल्यू बी सी में भी ऑर्डर पूछेगा तो ध्यान रखना है इसके अंदर भी तो डब्ल्यू बीसी में अगर बात करते हैं डब्ल्यू बी सी की तो इसमें सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स दिख भी रहे हैं आपको फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट एनसीआरटी में दे रखा है सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रो न्यूट्रोफ़िल्स के बाद नंबर सेकंड पर कौन आएगा? नंबर सेकंड पर आएगा यहां पर लिम्फोसाइड, लगभग 22-25 परसेंट लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड। फिर नंबर थर्ड पर कौन आएगा? लिम्फोसाइड के बाद आएंगे मोनोसाइड, 6-8 परसेंट। और मोनोसाइड के बाद कौन आएगा? इोसिनोफ़िल्स, approximately 2-3 परसेंट। और उसके बाद सबसे कम कौन होता है बैसोफिल बैसो तो ये रिड्यूसिंग आरबीसी नंबर वन आरबीसी नंबर टू प्लेटिलेट्स नंबर थ्री डब्ल्यू इनमें भी पूछ सकता है नंबर फोर न्यूट्रोफिल्स नंबर फाइव लिंफोसाइड डब्ल्यूबीसी के अंदर नंबर सिक्स मोनोसाइट नंबर सेवन इनोफिस और नंबर एट बैसोफिज बस है उस में लिख दिया डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ठीक है आरबीसी काउंट मिलियंस में होती है ट्वेंटी अप्रोक्सिमेटली सिक्स टू एट परसेंट मोनोसाइड टू टू थ्री परसेंट योसोनोफिल्स और बेस्टोफिल्स की बात करते हैं पॉइंट फाइव से वन परसेंट ठीक है यह एनसीआरटी का डेटा है तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहां से किस तरीके क्वेश्चन तो बनेंगे आपके सामने हैं। अब हम थोड़ा प्रोटीन को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन प्रोटीन के बारे में एनसीआरटी ने दे रखा है क्वेश्चन यहां बन जाता है तो एक डायग्राम बनाकर खत्म कर देते हैं इसको अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनको नंबर वन भाई एल्वमिन नंबर टू प्रोथोम्बिन पहले ले लेते हैं प्रोथोम्बिन ले लेते हैं फेब्रोनोजन भी ले लेते हैं और लास्ट में ले लेते हैं ग्लोबिलिन को अगर मैं एल्वमिन की बात करता हूं बेटा एल्वमिन तो बस दो लाइनें याद रखनी है स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होती है स्मॉलेस्ट फर्स्ट कहां बनती है प्रोड्यूस्ड इन लीवर क्या करती है एल्विन का मेन काम क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है पर मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन प्रोथोमिन अगर फेब्रिनोजन की बात करता हूं ठीक है टोटल का फोर परसेंट अकेली यही होती है भाई प्रोटीन कितनी होती है आप जानते हो अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट होती है तो सेवन परसेंट में मैक्सिमम एल्वमिन ही होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कैंसर के केस में इसी का डिस्टरबेंस हो जाता है ठीक है ठीक है क्वाशर कोर और मैरास हमने पढ़ाया था तो क्वाशर कोर में भी इसकी कमी हो जाने से पेट फूल जाता है ओबेसिटी आ जाती है ठीक है ओडिमा हो जाता है तो फोर परसेंट और प्रथम मिन इसकी बात करते हैं अगेन तीन पॉइंट इसमें भी याद रखने लार्जेस्ट है लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन नंबर वन भाई कौन बनाता है कहां प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस्ड बाय लिवर ठीक है ऑल ब्लड प्रोटीन लिवर में ही बनते हैं बेटा फंक्शन क्या है इसका फंक्शन आप बोलोगे ब्लड क्लॉटिंग अप्रोक्सीमेटली टोटल को मिला दिया जाता जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट के आसपास दोनों मिला करके ठीक है अब बात आती है ग्लोबिलिन जो बचा हुआ 2.4 परसेंट बोलोगे तो कौन की ग्लोबुलिन अगेन दो तीन बातें इसमें याद रखनी है वही बात ठीक है कहां बनती है प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल ये ध्यान रखना है बस एक्सेप्ट ये ठीक है ग्लोबुलिन भी थ्री टाइप के होते हैं अल्फा बीटा गामा चलो उसको भी समझा देते हैं तीनों ही एक्सपेक्ट एक, एक, सेपरेट कर देते हैं अगर हम ग्लोबलिन को भी डिवाइड करना चाहें तो ये भी याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन है अल्फा ग्लोबलिन बीटा ग्लोबलिन और गामा ग्लोबलिन क्योंकि गामा ही होते हैं अल्फा और बीटा की अगर बात करते हैं इन दोनों का केस भाई एक तो फंक्शन भाई एक तो क्या करते हैं फंक्शन ही डायरेक्ट लिख लो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ठीक है इसके अलावा कौ, कौन बनाता है बेटा प्रोड्यूस बाय लिवर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर पर क्वेश्चन आएगा गामा ग्लोबुलिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि गामा ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो गामा ग्लोबुलिन को ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन की बात आगे तो समझ जाओगे इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब कौन हो गया एंटीबॉडी थोड़ा हम आगे एक्सप्लेन करते हैं अगर मैं की बात करता हूं बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब आईजी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी कई टाइप के हो सकते हैं कौन कौन से आईजी ए हो सकती है अच्छा इसको भी एक तरीके से लिखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आईजी जी आई जी ए आई जी एम इम्यूनोग्लोबिल डी और लास्ट में होगी इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है एलर्जी के लिए कौन सी होती है आईजी ई यानी मैक्सिमम जो हमारे ब्लड में होते हैं मैक्सिमम ये क्वेश्चन नीट में आता है मैक्सिमम कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं आई जी जी मिनिमम सबसे कम कौन से होते हैं आईजीई ये रिड्यूसिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने ठीक है अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करता हूं ठीक है तो ध्यान रखना है कौन बनाता है ठीक है ये एक्चुअल में होते क्या है एंटीबॉडी एंटी बॉडी कौन बनाता है बेटा प्रोड्यूस्ड बाय आप जानते हो प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल्स ठीक है फंक्शन क्या है इनका बॉडी डिफेंस ठीक है डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शन ही लिख देते हैं फंक्शन किस में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है डिफेंस डिफेंस या प्रोटेक्शन ठीक है मेनली डिफेंस और प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्लाज्मा सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइड भी बोलते हैं या एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है फाइव टाइप के हो सकते हैं ठीक है इम्यूनोग्लोबुलिन जी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इम्यूनोग्लोबुलिन एम इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई मिनिमम ई होते हैं और मैक्सिमम जी होते हैं एक क्वेश्चन यहां मिल जाएगा आपको तो ये हो गया प्रोटीन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था एकदम क्लियर कट होना चाहिए कौन कहां बनता है कैसा होता है ठीक है इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एक नोटेबल पॉइंट है ये ध्यान रखना है आपको नोटेबल पॉइंट भी अगर मैं नोटेबल पॉइंट की बात करता हूं जनरल पॉइंट है जो पूछा जाता है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा तो आप बोलोगे अगर ब्लड में से बेटा सेल को रिमूव कर दो तो क्या बचता है प्लाज्मा ब्लड माइनस सेल्स अगर आपसे पूछे सीरम क्या होता है तो आप बोलोगे अगर प्लाज्मा में से प्लाज्मा में से किसको रिमूव कर दो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स तो क्या बचेगा सीरम देखा होगा आपने कभी चोट लग जाती है आपको ठीक है तो येलोइ सबस्टेंस रह जाता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ने तो अपना काम कर दिया जो येलो येलो रह गया उसको सीरम बोलते हैं ठीक है तो सीरम भाई प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो ठीक है इसके अलावा अगर आपसे पूछे लिम्फ क्या होता है तो आप जानते हो अगर ब्लड माइनस ब्लड में से क्या क्या रिमूव कर देंगे जो लिम्फ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटिलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए आप समझना ब्लड में से क्या क्या निकाला हमने आरबीसी को रिमूव किया प्लेटिलेट्स को रिमूव किया और मैक्रो प्रोटीन को रिमूव रिमूव किया तो जो बचेगा उसको फाइनली हम क्या बोलने वाले हैं लिंफ जो कलर लेस होता है तीनों पर क्वेश्चन आते हैं और पता होना चाहिए ठीक है तो प्लाज्मा क्या है सीरम क्या है और लिंफ क्या है एकदम क्लियर बेसिक कंपोजिशन गई हमारी प्लाज्मा की अब बात करते हैं फॉर्मड एलिमेंट अगर फॉर्मड एलिमेंट की बात करते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग का डेटा है ना वो थोड़ा सा बस सुनने वाला है आप सुन लो सफिशियंट है ठीक है समझने वाला डेटा बस आने वाला है इसके बाद ठीक है ब्लड ग्रुप हुआ ठीक है आर एच रेथ्रो से फिटैलिस हुआ प्लाज्मा हुआ उसका पूरा सिस्टम ये समझने वाला है वहां से क्वेश्चन आते हैं तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है नीट में क्वेश्चन मिले हैं इस पर भी बट मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है सुनते जाओ काम हो जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या हम एरेथ्रोसाइड पढ़ने वाले हैं या हम ल्यूकोसाइट पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बेसिक बात है सबसे पहले हम बात करते हैं इरेथ्रो मतलब होता है रेड साइट मतलब सेल मींस रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर बी सी रेड कॉर्पसल्स ठीक है तो एक तो क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ आरबीसी भाई कितना नंबर होता है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी अगर हम बात करते हैं तो एनसीआरटी ने एक लाइन दे रखी है अप्रोक्सीमेटली फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर एम एम क्यू भाई नंबर इनका होगा फाइव से लेकर के फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर एमएम की और आप जानते हो ये आरबीसी काउंट कम भी हो सकता है ठीक है क्योंकि का कोई भी केस आएगा आरबीसी काउंट कम हो जाएगा ठीक है और ये आरबीसी काउंट बढ़ भी सकता है बढ़ने को क्या बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया और कम होने को क्या बोलते हैं रेथ्रोसाइटोपीनिया पीनिया लो को रिप्रेजेंट करता है ये टर्म आते हैं इसलिए क्वेश्चन में तो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बेटा अगर मैं इस आरबीसी काउंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने की बात करूं तो दो टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे एक तो पोलिसाइथीमिया पोली साइथीमिया पोलिसाइथीमिया समझते हो देखा होगा जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट बढ़ जाता है तो टर्म यूज क्या करते हैं भाई आपको तो पॉलीसाइथीमिया हो गया आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ गया गालों पर रेडनेस आ गई मीस पॉलीसाइथिमिया क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो एच बी ओ टू का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी ऑटोमैटिकली आरबीसी काउंट बढ़ा देती है कैसे मैंने किडनी के जेजी सेल से एरेपोटिन हार्मोन निकलता है जो रेड बोन मैरो स्टूमलेट करता है किसके लिए इराथरो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरेथरोपोसिस पॉइसिस माने बनना ठीक है तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया मतलब इंक्रीज आर बी सी काउंट ठीक है अगर मान लो काउंट कम हो गया तो क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे इरेथ्रो रेथ्रो साइटोपीनिया साइटोपीनिया भाई पीनिया मतलब कम हो जाना यानी क्या होगा यहां पर रिड्यूज कम हो जाना आर बी सी काउंट तो भाई कम हो जाना तो समझ में आता है कोई भी एने का केस हो जाए आरबीसी काउंट कम हो जाएगा आपको ठीक है हो जाएगा ठीक है तो दो बात समझ में आ गए होंगे काउंट समझ में आ गया होगा आपको अब आगे बढ़ते हैं साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी अगर आरबीसी के साइज और शेप की बात करते हैं तो एनसीआरटी ने भी दे रखा है और आपको पता भी होना चाहिए कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है नीट में ही तो अगर हम साइज और शेप की बात करते हैं तो सबसे पहले साइज तो आपको समझ में आ रहा होगा साइज की अगर बात करते हैं ठीक है इसके साइज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ठीक है अगर मैं इसके डायमीटर की बात करता हूं डायमीटर कितना है सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ठीक है तो सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तो डायमीटर हो गया और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करते हैं आरबीसी की तो कितनी होती है टू माइक्रोमीटर ठीक है टू पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर समझ में आ गया होगा तो एरिया निकालोगे तो इंटू कर दोगे टोटल एरिया आ जाएगा शेप की अगर बात कर लेते हैं शेप आपके समझ में आ रही है कैसी है बाई केव भाई यहां से भी और यहां से भी ठीक है कैविटी है अंदर फंसी हुई है केव है ठीक है तो बाई मतलब दोनों तरफ से तो बाई केव? शेप की अगर बात करते हैं बाईकॉन केव बाई बाइकॉनकेब का वर्क क्या होता है भाई क्या करती है क्या बेनिफिट है बाई से तो बाई क्या करती है इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है मोस्ट मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इसमें डिपॉजिट हो पाता है बेटा और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में हेल्प करता है ठीक है इसलिए बाइकॉनकेब इसका शेप होता है ठीक है और हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स नहीं होते ठीक है तो ध्यान रखना है विदाउट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स साइटो प्लाज्मिक इस वजह से इसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा ओनली एना यूनिट में आए क्वेश्चन है एनारोबिक क्योंकि यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा ओनली एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा क्योंकि साइटोप्लास्मिक ऑर्गेनिज नहीं है माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है तो यहां तक कोई डाउट है या नहीं, नहीं होना चाहिए ठीक है पहली बात एनारोबिक रेस्परेशन कोई भी एकदम क्लियर है कोई डाउट नहीं है केव स्ट्रेज स्ट्रक्चर है इंक्रीज सरफेस एरिया विदाउट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म साइटोप्लाजेनिस्ट यहां नहीं है बेटा इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां तक कंसेप्ट एकदम क्लियर नो no डाउट आगे बढ़ते हैं ठीक है अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन जब भी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एनसीआरटी की दो तीन लाइन ध्यान रखनी है आपको ठीक है हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है एक ठीक है एडल्ट ह्यूमन के अंदर तो आप बोलोगे अप्रोक्सिमेटली आप बोल सकते हो एनसीआर ने दो जगह अलग अलग बातें कही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अमाउंट लिख दिया है एक कॉमन डेटा फिफ्टी मिलीग्राम पर हंड्रेड ब्लड और यहां लिख दिया है ट्वेल्व टू सिक्सटीन मिलीग्राम पर हंड्रेड एमएल ब्लड दोनों ही सही है यहां पर एक रेंज लिख दिया है वहां एक फिक्स अमाउंट लिख दिया है तो दोनों ही डेटा सही है ध्यान रखना ठीक है अगर मैं बात करता हूं अमाउंट की अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन तो आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली ठीक है आप लिखोगे दोनों ही लिख देते हैं हम ट्वेल्व टू 16 मिलीग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड या ऐसे भी दोनों डेटा लिख दे रहे हैं फिफ्टीन एक ही बात है फिफ्टीन मिलीग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ठीक है अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जिक्र किया था हमने यहां हम एक बार बोल रहे हैं सिंगल आरबीसी कंटेन ठीक है 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कोई एक हीमोग्लोबिन नहीं होता एक आरबीसी में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान रखना है ठीक है ईच आरबीसी कंटेन अप्रोक्सीमेटली आप लिखोगे 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन यानी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं ठीक है ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआर पता होने चाहिए अब मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करता हूं बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर तो के ऊपर तो आरबीसी किससे मिलके बनी होती है भैया सॉरी हीमोग्लोबिन किस किससे मिलके बनने बना होता है आप जानते तो हीम और आप जानते हैं ग्लोब्यूलिन बच्चे ग्लोबुलिन में बहुत कंफ्यूज होते हैं सर ग्लोबुलिन एक होती है या अलग अलग चार प्रोटीन को अलग अलग ग्लोबुलिन बोलते हैं यह ध्यान रखना है आपको ठीक है हीम के फोर मॉलिक्यूल होते हैं फोर फोर मॉलिक्यूल तो हीम के होते हैं बेटा ठीक है और ग्लोबिलिन के भी ठीक है फोर ही मॉलिक्यूल होते हैं फोर यानी टोटल का परसेंट देखेंगे लगभग फोर परसेंट तो हीम होता है और लगभग नाइनटी सिक्स परसेंट हीमोग्लोबिन में ग्लोबिलिन प्रोटीन होती है और ग्लोबिलिन की बात करते हैं फोर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है आपको टू अल्फा ग्लोबिलिन प्रोटीन होती है बेटा ऐसे ही टू बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं इन टोटल मिला के फोर ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं टू अल्फा एंड टू बीटा टोटल फोर मॉलिक्यूल हो गए नाइनटी सिक्स परसेंट बनाता है हीम 4%, जिसे फोर परसेंट जिसमें फोर मॉलिक्यूल हीम के होते हैं ठीक है तो बेसिक समझ में आया होगा और हीम आप जानते हो आयरन कंटेनिंग होता है और थोड़ा और अंदर जाना चाहो अब यहां अंदर जाने की जरूरत नहीं है ठीक है आयरन ठीक है और पोरफ्रिन रिंग्स होती हैं और पोरफ्रिन रिंग में भी ठीक है अमाइनो एसिड ठीक है एक्सेक्ट्रा जी इनसे मिलकर के बनी होती है पर वहां जाने की जरूरत नहीं है मोर देन सफिशियंट ये सब डेटा आपको याद रखना है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा ये सब एनसीआरटी की लाइन है बेटा ठीक है ये दोनों लाइन चीन एनसीआरटी में रखी है हीम कितना होता है ग्लोबिल उस पर क्वेश्चन आया है बच्चे कंफ्यूज हैं ग्लोबिलिन एक होती है या ग्लोबिल चार होती है फोर ग्लोबिल चेन होती है बेटा टू एल्फा एंड टू बीटा ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आगे बढ़ते हैं फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इसको क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को रेथ्रो एरेथ्रो मतलब आरबीसी पॉइसिस पॉइसिस मतलब बनना भाई कैसे बनती है कहां बनती है ठीक है तो दो तीन पॉइंट इस पर भी ध्यान रखना है आपको ठीक है अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात करता हूं तो एक तो आपको ऐसे याद रखना है एम्ब्रिय स्टेज में कहां बनती है इन एम्ब्रियो क्योंकि एम्ब्रियो में तो रेड रेडबॉन मेरो नहीं बनेगा और एडल्ट में कहा बनेगा इन एडल्ट एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहा स्टार्टिंग में एम्ब्रियो में जब ऑर्गेनोजिनेसिस नहीं होती तो सबसे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो के बाहर होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या बोलते हैं उसको योग सैक तो इनिशियल जो स्टेम सेल होते हैं आरबीसी को बनाने वाले वो योग सैक में होते हैं क्योंकि आप जानते हो पहला ऑर्गन तो हर्ट ही बनता है और हर्ट बनने का मतलब है ब्लड बन चुका है पंपिंग स्टार्ट हो चुकी है तो ब्लड स्टार्टिंग में कहां बनेगा योग सैक अगर एम्ब्रियो की बात करते हैं तो इनिशियल आपको ध्यान रखना योग सैक योग सैक के बाद फिर कहा बनेगी आरबीसी भाई लिबर स्प्लीन में भी देखने को मिल जाती है ठीक है, फिर फाइनली कहा एडल्ट में कहा ये आप जानते हो रेड बोन मैरो आरबीसी तो बनने का मतलब है सारा खेल स्टेम सेल का है स्टेम सेल ही आरबीसी को बनाते हैं स्टेम सेल स्टार्टिंग में योग में होते हैं इंतजार करते हैं जब तक कि उनका घर नहीं बन रहा तब तक वो फाइनली किसकी शरण लेते हैं लिवर की ठीक है और लिवर के बाद कह सकते हो आप यहां पर स्प्लीन की ठीक है इसके बाद वो कहां जाते हैं इसके बाद इसके बाद जब उनका घर यानी रेड बोन मेरो बन जाता है तब वो, वो परमानेंटली शिफ्ट होकर के सेट हो जाते हैं और रेथरो कंटिन्यू करते हैं चलो ठीक है एक क्वेश्चन तो ये बनेगा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपको तो आरबीसी बनने का रॉ मेटीरियल क्या होता है ऐसा पूछा गया है पुराने क्वेश्चन देखोगे रॉ मेटेरियल ऑफ आरबीसी मेटेरियल पूछेगा फॉर आरबीसी फॉर्मेशन आप जानते दो चीजें चाहिए आरबीसी के लिए एक तो आयरन ठीक है एफी टू पॉजिटिव यह मिल जाए और ग्लोबलिन प्रोटीन मिल जाए बस दो चीज अगर मिल गई तो हमारा काम बन जाएगा अच्छा इसके मैच्युरेशन को स्टूमुलेट कर, कौन करता है मैच्यूरेशन

एसिड के कैप्सूल लिख देता है या आयरन कैप्सूल लिख देता है प्रोटीन तो बॉडी अपने अंदर ही बनाएगी आप समझ गए ना मेरी बात और हाँ विटामिन बी ट्वेल्व को भी बोलता है तो फॉलिक एसिड विटामिन बी ये ऑटोमेटिकली आप ले रहे हो ठीक है आयरन आप ले रहे हो ग्लोबिन प्रोटीन बन रही है रेथ्रोपोइसन स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में ठीक है अब होता कैसे है आरबीसी कहां बनती है कैसे बनती है तो मान लो ये बोन है ये बोन का हेड है तो बोन के हेड में जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं बेटा लॉन्ग बोन के हेड में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है अंदर आप बोलोगे रेड बोन मैरो अंदर क्या होगा रेड बोन मैरो और इस रेड बोन मैरो की अगर हम बात करते हैं तो इस रेड बोन मैरो में कौन देखने को मिलेंगे यहां देखने को मिलेंगे आपको स्टेम सेल्स ये स्टेम सेल्स हीमोपोसिस करते हैं हीमोपोसिस का मतलब ब्लड में मिलने वाली सारी सेल यहीं से बनती हैं हम समझा देते हैं इस वाली बात को भी ठीक है ठीक है अगर हम कॉमनली बात करते हैं ये क्या है स्टेम सेल अगर हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो इन्हीं स्टेम सेल से क्या क्या होगा समझो मेरी बात सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे ल्यूकोब्लास्ट ल्यूको ब्लास्ट मैंने बताया भी था टिश्यू वाले चैप्टर में किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है ब्लास्ट का मतलब कंटिन्यू डिवाइड करने वाली सेल है कंटिन्यू डिवाइड करती है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है उसमें और यही लीको ब्लास्टी कन्वर्ट इनटू ल्यूकोसाइट मींस अब वो समझ रहे हो अब डिवीजन फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे वो अपने को मेंटेन करेंगे मैच्योर ये मैच्योर ठीक है फास्टली डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो लीको ब्लास्ट कन्वर्ट इंटू लीकोसाइट ल्यूकोसाइट लीकोसाइट का मतलब समझ गए हो कि क्या डब्ल्यू यानी स्टेम सेल से Leakoblast बनते हैं 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 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म है अगर हम बात करते हैं की तो प्लेटिलेट्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो कौन होते हैं मेगा कैरियोसाइट और स्टार्टिंग में आप कह सकते हो मेगा कैरियो ठीक है ब्लास्ट होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होते हैं फाइनली मेगा कैरियोसाइट बनाते हैं प्लेटिलेट्स कैसे बनाते हैं हम बताएंगे ठीक है हम डायरेक्टली लिख देते हैं मेगा कैरियो साइट मेगा मतलब बड़ा कैरियो मतलब न्यूक्लियस साइट मतलब सेल ऐसे सेल जिनके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है ये बनाते हैं प्लेटिलेस लास्ट में आ जाओ रेथ्रो साइट इसके लिए क्या होंगे सबसे पहले भाई रेथ्रो ब्लास्ट इरेथ्रो, ब्लास्ट और यही रेथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट किसमें होते हैं आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिक्यूलोसाइट रेटीक्यूलो साइट्स और फाइनली यही रेटिक्यूलोसाइट्स आगे जाकर के क्या बनाते हैं ये बनाते हैं मैच्योर आर बी सी क्या बोलते हैं इनको रेथ्रोसाइट रेथ्रोसाइट तो बेसिक पता होना चाहिए कि भाई स्टेम सेल में जो रेड बोन है रेड बोन मैरो स्टेम सेल में जो रेड बोन मैरो है उसी में स्टेम सेल्स रेड ध्यान रखना लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन उसमें स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे ही सारे टाइप के सेल का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे उसी फॉर्म में लिख रहा हूं फ्लो डायग्राम एनसीआर के लाइन लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 डेज आफ्टर 120 डेज क्या होता है आफ्टर 120 डेज उनमें बुढ़ापा आ जाता है उनमें झुर्रियां पड़ जाती हैं उनकी उम्र पूरी हो जाती है जब उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो मैक्रोफेस का तो आप रोल पता ही है एबनॉर्मल शेप के आरबीसी को मार दिया जाएगा वो यंगर हो या वो ओल्ड हो एबनॉर्मल शेप अगर आ जाती है किसी भी कारण एज पूरी होने की वजह से या कोई डिफेक्ट की वजह से उनको खत्म कर दिया जाएगा ठीक है तो आप समझ गए आफ्टर 120 डेज वहां जो होते हैं बेटा ठीक है स्प्लीन के अंदर उसको खत्म करना चालू कर देते हैं इसी को को बोलते हैं स्प्लीन ऑफ कब्र गह तो एनसीआर हमारी एकदम पूरी हो गई विद कंसेप्ट एक पार्ट हमारा फिनिश आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लीको साइट लीको मतलब व्हाइट साइट मतलब सेल यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यू एकदम क्लियर कुछ टर्म्स हैं डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं नंबर ऑफ डब्ल्यू बी और एनसीआर में बात नहीं कर रहे हैं थाउजेंड में बात कर रहे हैं पर एम mm एम क्यू यानी अगर एक एम एम क्यू ब्लड लेते हो वन एम एम क्यू तो इतना डब्ल्यू होने चाहिए और अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यू का रेशियो पूछूं आपसे तो भाई वो मिलियंस में तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो सिक्स टू वन का रेशियो आएगा ठीक है अब टर्म आता है ये बहुत पूछा जाता है ये ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि ब्लड में ये आपको पूरी एनसीआरटी में मिलेगी यहां मिलेगी कैंसर में मिलेगी इम्यूनिटी में मिलेगी इम्यूनोलॉजी के अंदर यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर तो मेरा कंसेप्ट एक है कि जब भी जैसा भी पढ़ाऊं यानी पूरी एनसीआरटी आपके दिमाग में मेरे भी दिमाग में एनसीआरटी घूमती रहती है तो वही चीजें निकल रही हैं जो एनसीआरटी में आगे पीछे कहीं दे रखी हैं फिर हम उसको कई बार

टीएलसी टोटल लिकोसाइड काउंट बढ़ा हुआ है क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है मेनली डब्लू बीसी कहा होते हैं डब्ल्यूबीसी है क्या इट इज अ सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी तो सोल्जर्स के लिए हमें कैंट एरिया बनाते हैं देखा होगा हर सिटी में कैंट एरिया होता है ऐसी बॉडी के अंदर भी कैंट एरिया है जहां हमारे सोल्जर्स रहते हैं ठीक है हमारे सोल्जर्स सिविलियन एरिया में नहीं रहते सिविलियन एरिया समझते हमारा ब्लड वहां पे और हमारे और सेल्स हैं वहाँ डब्ल्यू लिमिटेड होते हैं कितने थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर जब भी कोई आपदा आती है कोई समस्या आती है कोई घटना घटित होती है तो आपने देखा होगा हमारे सोल्जर्स सड़कों पर नजर आते हैं टैंक सड़कों पर नजर आ रहे हैं सड़क का मतलब कहा जा रहे हैं बॉर्डर पर तो रूट क्या है रूट तो वही रोड वही रेलवे जहां, जहां से सिविलियंस जाते हैं वही तो ट्रैक है यानी अगर उस ट्रैक पर सोल्जर्स की काउंट बड़ी नजर आ रही है मतलब कोई ना कोई समस्या है तो बस डॉक्टर यही आइडेंटिफाई करता है आपके ब्लड में सोल्जर्स काउंट काउंट बढ़ा हुआ है ठीक है तो आइडेंटिफाई कर लेता है 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 फिर आइडेंटिफाई करता डिफरेंशियल काउंट पता लगाओ कौन से डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं भाई बोनोसाइट बढ़े हुए हैं लिंफोसाइड बढ़े हुए हैं इोसिनोफिस बढ़े हुए हैं यानी डिफरेंशियल लीकोसाइड काउंट उससे आइडेंटिफिकेशन होता है कि, कि किस टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है समझ गए ना मेरी बात तो पहला तो टेस्ट यही होता है ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज डब्ल्यू काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन इंक्रीज डब्ल्यू बी सी काउंट ड्यूरिंग इंफेक्शन आप समझ ही गए पर आप जानते हो डब्ल्यू बी सी काउंट एक वजह एक से और बढ़ता है अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग कैंसर ब्लड कैंसर भाई काउंट तो बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि में तो ही नहीं है, अनकंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है तो ब्लड कैंसर के केस में और बचे के पास भी नहीं होता, तो बस्ते में होता तो कौन-कौन है, अनकंट्रोल हो सकती है वो है ल्यूकोसाइड तो जब भी ब्लड कैंसर होगा तो ओनली ल्यूकोसाइड काउंट अनकंट्रोल होता है तो इसको ल्यू के मिया बोलते हैं इंक्रीज डब्ल्यू बी सी ड्यूरिंग ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर ये ध्यान रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अब आता है डाय एपेडिस यह तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी कई बार मिलेगा आपको डायऐपेडिस अमीवॉइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी होते क्या है हमारे कैंटेरियाज कैंटेरियाज क्या है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भाई मोस्टली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम अवर कैंटेरिया तो कैंटेरिया से यानी लिम्फेटिक सिस्टम से ये डब्ल्यूबीसी कहा आते हैं हमारे ब्लड में आते हैं और ब्लड में आकर के अमीवर्डल मूवमेंट करते हैं दिख रहा होगा मूवमेंट ठीक है और मूवमेंट करके ये ब्लड कैपिलरी से कहां के कहां पहुंच जाते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन फिर जाकर के वहां पर क्या होती है फेगोसाइटोसिस ठीक है इस पूरी मैकेनिज्म को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं पर अभी यहां किसकी बात कर रहे हैं हम अमीवर्डल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं इसी को हम डायपेडिस बोलते हैं क्या बेटा इट इज अमीवर्डल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी का जो अमीवर्डल मूवमेंट है इसी को हम डायपेडिस बोलते हैं तो समझ में आ गया होगा डायऐपेडिस क्या है लाइफ स्पेन डब्ल्यू बी सी की भाई सोल्जर्स की क्या लाइफ स्पेन है आप बताओ भाई कुछ सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं डिपेंड करता है किस एरिया में है क्या वर्क है तो कुछ सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे तक अपनी लाइफ जी पाते हैं ठीक है वो डिपेंड करता है वो किस एरिया में वर्क कर रहे हैं कुछ सोल्जर्स ऐसे भी हैं जो भाई बी में हैं उनकी लाइफ का कुछ पता ही नहीं बहुत यंगर्स हैं जो अचानक समझ रहे हो फाइट होती है जो खत्म हो जाते हैं तो एक्चुअल में सोल्जर्स की लाइफ डिसाइडेड नहीं है वही चीज़ यहां पर भी है यहां पर सम आर्स कुछ घंटों से लेकर के ईयर तक हो सकती है आप समझ रहे हो जिसमें से जो ल्यूकोसाइट होते हैं जो कह सकते हो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो मेमोरी सेल रखते हैं उनकी लाइफ सबसे मैक्सिमम होती है बात बाई के आर्ट टू ठीक है तो हम कुछ घंटों से लेकर के ईयर तक हो सकती है लाइफ तो बेसिक पॉइंट है बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा अब जो क्वेश्चन बनता है वो टाइप्स ऑफ लीकोसाइट से बनता है उसको मैं एक्सप्लेन फटाफट ठीक है अगर हम टाइप की बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ए ग्रेन्यूलोसाइड एंड ग्रेन्यूलोसाइड तो पहले हम बात करते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट ए समझ में आ गया ए मतलब एबसेंट ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते विदाउट ग्रेन्यूल्स और सेकंड क्या लिखने वाले हम ग्रेन्यूलोसाइट अगर हम ग्रेन्यूलोसाइट की बात करते हैं यानी साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स ट्रिक से लिख देना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं इस चीज को साइटो प्लाज्म विद ग्रेन्यूल सी के ऊपर विद सी के नीचे विदाउट ये ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म है जो आगे भी यूज करोगे आप यहां पर क्या लिखोगे साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म विदाउट आउट ग्रेन्यूल्स सिंपल अब बात करते हैं एक ग्रेन्यूलो कितने टाइप के हो सकते हैं तो एक ग्रेन्यूलो को भी आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कर देते हैं लिंफोसाइट और मोनोसाइट लिंफोसाइट मोनोसाइट अगर मैं ग्रेन्यूलो की बात करता हूं तो इनको भी आप डिवाइड कर सकते हो कर देते हैं इनको भी डिवाइड थ्री पार्ट में आप जानते हो ठीक है एयोसिनोफिल्स आप जानते हो बैसोफिल्स और थर्ड ध्यान रखना है आपको न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रो बस ये अब इन पर क्वेश्चन बनता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी तो खैर इंपॉर्टेंट है भी ठीक है क्योंकि तो आगे इम्यूनिटी में भी पढ़ने वाले हो कई जगह पढ़ोगे तो अगर मैं लिंफोसाइड की बात करता हूं तो देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले लिंफोसाइड का जो स्ट्रक्चर है बेटा सबसे छोटा राउंड सेल है विदाउट ग्रेन ग्रेन्यूल नहीं है ये सबसे बड़े होते हैं विदाउट ग्रेन्यूल है पर इनके न्यूक्लियस में अंतर देखने को मिलेगा यहां जो न्यूक्लियस होगा और राउंड होगा जबकि यहां जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप होगा किडनी शेप न्यूक्लियस जबकि इनोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग बराबर के होते हैं तीनों बराबर के ही होंगे तीनों लगभग लगभग बराबर ही होंगे और ये ग्रेन्यूलो हैं, ठीक है तो इन ग्रेनुलट में अगर ध्यान रखना न्यूक्लियस हेडफोन जैसा है हेडफोन इोसिनोफिल्स न्यूक्लियस में थ्री लोब है या एस शेप है बेसोफिल्स न्यूक्लियस में कई लोब हैं कई फोर भी हो सकते हैं फाइव भी हो सकते हैं सिक्स भी हो सकते हैं सेवन तक हो सकते हैं तो इनको क्या बोलोगे न्यूट्रोफिल्स और इनके अंदर क्या है? खास बात बताया मैंने यहां बेटा न्यूज़ देखने को मिलते हैं इनके अंदर कौन है ग्रैन्यूज वॉट इज तो कॉल्ड ग्रैन्यूलोसाइट ग्रे 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 ग्रेन्यूलोसाइट ग्रेन्यूलोसाइट्स

आप बोल सकते जीरो पॉइंट फाइव से लेकर जीरो पॉइंट फाइव से लेकर के आप बोल सकते हो वन परसेंट के आसपास तो सबसे कम कौन हो गए आप समझ गए चलो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट इस पर क्वेश्चन आता है ध्यान रखना एनसीआर डेटा दे रखा है मोनोसाइट की बात करते हैं तो यही यह होना चाहिए आपको ये अप्रोक्सीमेटली सिक्स टू एट परसेंट के आसपास होते हैं अगर मैं बात करता हूं Eosinophis, तो बताया था टू टू थ्री परसेंट के आसपास होते हैं और इनका रिड्यूजिंग ऑर्डर पूछा जाता है पहले ही मैंने रिड्यूजिंग ऑर्डर समझा दिया था फर्स्ट लाइट के अंदर कि किस किस चीज के रिड्यूजिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं वो मैंने एक साथ करा दिया ठीक है न्यूक्लियस के, के केस में बात करते हैं तो राउंड होगा राउंड किडनी शेप लोब्ड यहां बोल सकते हो शेप या लोब भी बोल सकते हो ठीक है न्यूक्लियस शेप या लोब यहां बोलोगे मल्टीलोब लोब्ड न्यूक्लियस भाई मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है इनके पास इसीलिए तो उनका एक नाम होता है उस पर क्वेश्चन आता है और एनसीआरटी ने दे भी रखा है कहां, -कहां दो जगह इम्यूनिटी में भी दे रखा है इनको बोलते हैं पी एम एन सी पी एम एनसी का मतलब पॉलीमोर्फो पॉली poly मतलब बहुत सारा मोर्फो मतलब स्ट्रक्चर न्यूक्लिएटेड सेल यानी ऐसे सेल जिनकी न्यूक्लियस में पॉलीमोर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है एक जैसे नहीं होते पॉलीमोर्फिक होते हैं भाई फोर लोप भी हो सकते हैं फाइव लोप भी हो सकते हैं सिक्स भी हो सकते हैं और मैक्सिमम सेवन लोप तक हो सकते हैं सो इज कॉल पॉलीमोर न्यूक्लिएटेड न्यूक्लेटेड सेल एकदम क्लियर अगला जो क्वेश्चन बनता है देखो दो चीजों हो गई साइज साइज कॉमन है इनका साइज पूछ सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं हो है, है? साइज इनका होगा अप्रॉक्सीमेटली ठीक है एट माइक्रोन के आसपास इनका साइज की बात करते हैं एटीन माइक्रोन के आसपास सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ये सब बराबर के होंगे अप्रोक्सिमेटली टेन टेन माइक्रोन के टेन माइक्रोन टेन और ये भी टेन ही के होते हैं तो ये बेसिक आ गया बेसिक जो डिफरेंस होते हैं लिम्फोसाइड येसर, येसर, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ठीक है अब बात आती है इनके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका फंक्शन मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में है का भी डिटेल में ये भी अगले स्लाइड पर रिप्रेजेंट करते हैं अब दो फंक्शन हम यहां बता देते हैं अब इनमें से ध्यान रखना है आपको मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ठीक है अच्छा इसका भी हम आगे करते हैं यहां नहीं आ पाएगा अब इन सब में सिर्फ दो ही फैगोसाइटोसिस नेचर की होते हैं कौन कौन फैगोसाइटिक होते, है? होते हैं भाई मोनोसाइट भी फेगोसेटिक होते हैं भाई मेनोसाइट कैसे होते हैं फैगोसिटिक जो फेगोसाइटोसिस भक्षण पकड़ के खा लेना उस प्रॉपर्टी को रखते हैं तो फेगोसाइटोसिस यानी एक मैक्रोफेज यानी ये क्या है मैक्रोफेज समझना मोनोसाइट ऐसे मैक्रोफेज है बेटा जो फेगोसाइटोसिस करते हैं पर न्यूट्रोफ़िल्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं ये भी क्या करते हैं फैगोसाइटोसिस पर कहीं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इन दोनों में मैक्सिमम फेगोसेटिक कौन होता है न्यूट्रोफिल्स ठीक है या मोनोसाइड तो न्यूट्रोफिल्स कंपेरेटिव मैक्सिमम फेगोसेटिक नेचर शो करते हैं ब्लड के अंदर ठीक है एक बात क्लियर हो गई तो फेगोसेटिक नेचर दोनों हो गए और जो भी फेगोसेटिक नेचर का होगा वो डायपेटिसिस शो करेगा डायपेटिस अमीवर्डल मूवमेंट इसके अलावा और जो मैं बता रहा हूं तीनों रह गए वो फेगोसेटिक नेचर के नहीं होते डाई शो नहीं करते तो क्या करते हैं उसी पर आ रहे नेक्स्ट देखो अब बचता क्या है हमारे पास एक एक करके ले लेते हैं इनको सबसे पहले लिम्फोसाइट लिम्फो साइट्स अगर मैं लिम्फोसाइट्स की बात करता हूं बेटा तो लिम्फोसाइट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से बेटा टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जिनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरा इसी पर बेस्ड है अगर मैं टी लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो इनको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो टी हेल्पर सेल टी किलर या साइटोटॉक्सिक सेल्स टी आप जानते हो सप्रेसर सेल्स जो इन दोनों को ही सप्रेस करके रखते हैं एक और होते हैं टी मेमोरी एम फॉर मेमोरी टी मेमोरी सेल्स तो बस ये फोर टाइप के हो सकते हैं मेमोरी इनके पास भी होती है मेमोरी इनके पास भी होती है इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैक्सीनेशन मेमोरी पर बेस्ड है ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है ध्यान रखना ये वाली बात तो फंक्शन भी देख लेते हैं इनके क्या कर रहे हैं अगर मैं हेल्पर टी सेल की बात करता हूं डायरेक्टली कुछ नहीं करते हम आगे बढ़ पढ़ाएंगे डिटेल में इसके बारे में ये सिर्फ पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं इसलिए एच का टारगेट सेल हेल्पर टी सेल होता है क्योंकि ये कुछ केमिकल मैसेंजर जिनको इंटरलिक बोलते हैं ठीक है उनको रिलीज करते हैं ये टी टीलिमसाइट को भी कंट्रोल करते हैं ये 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 बी को 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 भी 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 कंट्रोल 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 करते 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 हैं 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 मैक्रोफेज नेचुरल किलर सेल ये पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर है तभी तो एच आई बी इनको ही डिस्ट्रॉय करता है ये डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी खत्म कंट्रोलर खत्म समझ गए ना मेरी बात अब बताते किलर सेल ये किलर सेल का टारगेट कौन होता है ये रिलीज करते हैं परफोरिन प्रोटीन रिलीज परफोरिन प्रोटीन किसके अंगे रिलीज करते हैं फॉर कैंसर सेल पर परफोरिन प्रोटीन समझ तो ऐसी प्रोटीन जो पोर क्रिएट करते परफोरिन पोर क्रिएट करने वाली प्रोटीन वॉल को रप्चर कर देने वाली प्रोटीन डाइजेस्ट कर देने वाली प्रोटीन तो ये कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं और ऐसी सेल हमारी सेल जिनमें वायरस का इंफेक्शन हो जाता है उनके अंगेंस्ट भी काम करते हैं वायरस इंफेक्टेड सेल वायरस इंफेक्टेड सेल्स दोनों के अंगेंस्ट बिल्कुल जब तक ये एक्टिव हैं आपको कैंसर नहीं हो सकता पर कैंसर क्यों होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है किलर टी सेल और नेचुरल किलर सेल जैसे सेल आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तब जाकर के कैंसर होता है ठीक है तो कैंसर के लिए ऐसा नहीं है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी इम्यूनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम सप्रेस होना भी कैंसर को लीड करता है तो मैं आप बोल दे रहा हूं कि अब जो कैंसर होगा वो और डोमिनेंट होने वाला है क्योंकि कोरोना ने क्या कर दिया है कोरोना ने आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया है तो अब फ्यूचर में एक समस्या और आने वाली है कैंसर तेजी से होने वाला है ठीक है तभी मैं आगाह कर रहा हूं सबको ठीक है कि इम्यून सिस्टम को दुरुस्त कर लो जो कर सकते हो क्योंकि अगला टारगेट कैंसर का और तेजी से हर चार में से एक को कैंसर है पर अब ये कैंसर की परसेंटेज और बढ़ सकती है क्योंकि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है आप समझ रहे हो ना तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है और इससे फाइट करना है आगे स्टार्ट करते हैं तो सप्रेसर सेल भाई ऐसे सोल्जर्स सोल्जर्स देखो इन को भाई खतरनाक है है एक ठीक अपने ही सेल को मार रहे हैं पर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको कि ये इंफेक्टेड है या इंफेक्टेड नहीं है पर अगर इनका आइडेंटिटी ये हाइपर हो गई तो ये नॉर्मल सेल को भी किल कर सकते हैं तो इनको सप्रेस करके रखना बहुत जरूरी है समझ रहे हो तो सप्रेसर सेल का, का काम क्या होता है इनको सप्रेस करके रखना किलर सेल को सप्रेस करके रखना और मेमोरी तो आप समझते हो मेमोरी जो फ्यूचर में काम आती है ऐसे ही बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक तो प्लाज्मा सेल आप जानते हो प्लाज्मा सेल क्या काम करते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं ठीक है और दूसरे मेमोरी सेल मेमोरी सेल तो मेमोरी सेल्स तो दोनों के पास है मेमोरी सेल इसके पास भी है और मेमोरी सेल इसके पास भी है और प्लाज्मा सेल आप समझते हो प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी बनाकर के ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं तो लिम्फोसाइड वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि लिंफोसाइड क्या है क्या करते हैं किस किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो एंटीबॉडी क्या करते हैं भाई प्रोटेक्शन चलो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया लिम्फोसाइड वाला अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अब दो पॉइंट बचे हमारे क्या क्या बचे हमारे एक पॉइंट बच गया हमारा और एक बच गया बेसोफिल्स कंपाइल कर देता हूं इसमें क्योंकि मोर कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है इसके फंक्शन में सिनो फिल्स इोसिनोफिल्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इोसिन एक एसिडिक डाई होती है उससे स्टेन हो जाते हैं इसलिए इसको एसिडोफिल भी बोल सकते हो बेसोफिल्स बेसोफिस ये बेसिक डाय मिथालिन ब्लू से स्टेन हो जाते हैं सो इट इज कॉल्ड बेसोफिज लाइक किसके जैसे होते हैं बिल्कुल लाइक मास्ट सेल मास्ट सेल अंतर इतना होता है मास्ट सेल तो हमारे टिश्यू में होते हैं ये हमारे ब्लड में होते हैं दोनों ही एक ही रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो पहले इोसिनोफिस की बात देख लेते हैं यूसोनोफिस क्या है क्या कर रहे हैं क्या करते हैं इोसोनोफिस ये, ये रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स रिलीज ठीक है टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स ठीक है एक तो रिलीज क्या करते हैं नंबर वन ठीक है प्रॉपर्टी रखते हैं एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी या एंटी पैरासिटिक ग्रैन्यूल्स लाइक लाइसो सोम भाई लाइसोसोम्स में क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम तो जो इिनोफिल्स होते हैं वो एंटी पैरासिटिक होते हैं पैरासाइट की वॉल पर रिलीज होना चालू हो जाते हैं और उसकी वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं सो एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी कौन से डब्ल्यूबीसी रखते हैं इोसिनोफिल्स साथ साथ में ये बेटा एंटी एलर्जिक भी होते हैं ठीक है और क्या रिलीज करते हैं रिलीज एंटी एलर्जिक एंटी एलर्जिक एंजाइम एंजाम रिलीज करते हैं एंटी एलर्जिक के इसको लिख देते हैं हिस्टा मिनेस एंटी हिस्टामिन भी बोल सकते हैं उसको एंटी हिस्टा मिन क्योंकि आप जानते हो ये ग्रेन्यूज अगर देखो तो एलर्जी किस वजह से होती है अगर बॉडी में हिस्टामाइन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वैसा होता है

इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन बच्चों को क्या लगता है कि भाई एलर्जी हो रही है बेसोफिल्स की वजह से तो बेसोफिल एलर्जी कॉजिंग होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना ध्यान रखना है एलर्जी के हमें एलर्जी है क्या आपको सबको एलर्जी है? ना बेटा भाई जो बेसोफिल्स होते हैं हिस्टामाइन होता है वो तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पर अगर वो बेबजह निकलना स्टार्ट हो जाए हाइपर हो जाए तो वो एलर्जी होती है तो वो एलर्जी के लिए नहीं बने वो इंफ्लामेशन के लिए बने हैं और ये स्पेशली एलर्जी के लिए बने पर एंटी एलर्जिक हैं तो एलर्जिक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होंगे वो कौन होंगे बेटा आप समझ गए गएफिस अगर हम बेसोफिल्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको ठीक है ये रिलीज करते हैं क्या रिलीज सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन एटसेक्ट्रा और भी ढेरों सारे कंपोनेंट होते हैं पर हिस्टामाइन की बात करते हैं तो किसमें इन्वॉल्व होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ठीक है एसोसिएटेड विद इनफ्लामेशन एसोसिएटेड विद इनफ्लामेशन इन्फ्लाशन ध्यान इनफ्लामेशन से एसोसिएटेड होते हैं ना कि एलर्जी से एसोसिएटेड होते हैं ठीक है तो भाई ये जब हाइपर हो जाते हैं हिस्टामिन बहुत ज्यादा निकल जाता है बेबजा निकलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तब जाकर के एलर्जी होती है और उस एलर्जी से बचाने के लिए जो एलर्जी के ही लिए बने हैं ठीक है यानी एलर्जी से फाइट करने के ही लिए बने हैं तो वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो ये से ये में होते हैं पर ये में होते हैं, इनके हाइपर हो जाने की खत्म करने के लिए होते हैं समझो तो इन्फ्लामेशन के लिए ये एलर्जी के लिए ये आप समझ रहे हो पैरासिटिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं एंटी पैरासिटिक और एंटी एलर्जिक भी एकदम क्लियर हो गया होगा यहां कोई डाउट नहीं होगा हिपेरिन आप जानते हो एंटी को है एंटी ट है आप जानते हो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है वैसो ठीक है पर हिस्टामाइन आप जानते हो ये इन्फ्लामेट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ठीक है तो यहां तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए डब्ल्यूबीसी के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे समझ में आ गए होंगे एनसीआरटी के डायग्राम आपको समझने होंगे आरबीसी कैसा डायग्राम है प्लेटिलेट्स किस किस रिप्रेजेंट कर रहा है में देखो हेडफोन नजर आ रहा है ठीक है बेसोफिल्स के अंदर यहां पर इन्होंने बस इस पहचानना होगा आपको क्योंकि ये नीट में ऐसे छप के आएगा न्यूट्रोफिल्स में आएगा तो देखो न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से दिख रहे होंगे कई लोब दिख रहे होंगे इनके फिर फिर एक लोब आ गया कई लोब न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट किडनी शेप दिख रहा होगा ठीक है और टी लिम्पोसाइड और बी लिंपोसाइट की बात करते हैं तो इनको बस आइडेंटिफाई कर लेना टी और बी को इस तरीके से टी और बी होंगे बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ठीक है आगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट्स अगर मैं थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट्स की बात करता हूं तो मैंने बताया था बेसिक बात इनका नंबर याद रखना है कितना होता है, होती? होती है। उनके अंदर कौन होते हैं स्पिंडल सेल्स होते हैं वो केस अलग हो के गया ठीक है ये न्यूक्लिएटेड होते, है? होते हैं ना विदाउट न्यूक्लिएटेड होते हैं किससे बनते हैं मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से क्वेश्चन बनेगा आप देखो हम बनाते मैगा कैरियोसाइट ये सेल है समझना होगा ये सेल है मेगा मेगा का मतलब बड़ा न्यूक्लियस ये बड़ा न्यूक्लियस है इसके पास मेगा न्यूक्लियस है मेगा कैरियोसाइट और इस मेगा कैरियोसाइट के अंदर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और फ्रेगमेंट्स में जो कुछ भरा होता है वो है यही जो मैं बताने जा रहा हूं ठीक है इनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ब्रेक हो रहा है यहां पर ठीक है फ्रेगमेंटेशन ये क्वेश्चन आता है फ्रेगमेंटेशन से का फॉर्मेशन होगा दिस इज अ फ्रेगमेंटेशन और जब फ्रेगमेंटेशन चलेगा बेटा तो ये कंटिन्यू ये बनते जा रहे हैं ये बनते जा रहे हैं ये बनते जा रहे हैं और इनके अंदर कौन फिलअप है इनके अंदर आप समझ गए इनमें भरा हुआ है थ्रोम्बो प्लास्टिन और भी सब्सटेंस होते हैं पर मेनली हम फोकस करते हैं थ्रोम्बो प्लास्टिन ठीक है तो ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दिख रहे हैं आपको ये क्या होना मेगा कैरियोसाइट मैगारियोसाइट तो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से जो बन रहा है इनको बोलते हैं प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स जो कैसे होते हैं विदाउट न्यूक्लियस ओवेल विदाउट न्यूक्लियस और इनके अंदर भरा क्या होता है इनमें भरा होता है थ्रोम्बो प्लास्टिन थ्रोम्बो प्लास्टिन एक्सेक्ट्रा ठीक है पूरा क्लॉटिंग कंपोनेंट होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन मेनली तो ये सब इसमें फिलअप होते हैं फ्रेगमेंटेशन से बन रहे हैं समझ में आ रहा होगा काउंट कितनी होती है ये हम लिखने की जरूरत नहीं है हमने ही दिया ये काउंटिंग ध्यान रखनी है पर एमएम क्यू किससे बनते हैं मेगा सेल से बनते हैं स्पेशली प्रेजेंट इन मेमिलियन मैमल्स में देखने को मिलते हैं कहां मिलते हैं प्रेजेंट इन मैमल्स प्रेजेंट इन मैमल्स इनकी लाइफ कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली सेवन डेज वन वीक के आसपास ठीक है अगर इनकी काउंट कम हो जाए डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटिलेट्स तो काउंट कम होने को क्या बोलते हैं पीनिया क्या बोलेंगे पीनिया समझना मेरी बात तो भाई पीनिया टर्म आ गया टर्म यहां दे भी रखा इन्होंने नहीं दे रखा तो हम बता देते हैं थ्रोम्बो भाई थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए सुना भी होगा आपने डेंगू के केस में हो जाता है ठीक है तो अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो टर्म क्या यूज करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया थ्रोम्बो साइटोपीनिया ये सब वो टर्म है जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं मैं दिखा, दिखा भी देता हूं प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ ठीक है वैरायटी ऑफ सबस्टेंस वैरायटी ऑफ सबस्टेंस पर मेन थ्रोबो प्लास्टिक एक्सेट्रा लगा दिया मैंने ठीक है च आर इन्वॉल्व इन को एगुलेशन भाई कहां काम कर रहे हैं ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई इन्वॉल्वमेंट आप जानते हो कोएगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और और रिड्यूस हां तो रखा है रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स समझ रहे हो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी सारे पॉइंट आपके सामने इसलिए इनको तो थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि तो ये क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एकदम क्लियर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस ठीक है इन द कॉलम फर्स्ट ब्लड कंपोनेंट एंड इन द कॉलम सेकंड देआर स्पेसिफिक फंक्शन देखो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म भाई ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट आ जाओ फिब्रीनोजन नीडेड फॉर क्लॉटिंग बिल्कुल सही Clotting के लिए नीड होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एल्वोमिन प्रोटीन रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ना बेटा ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इन्वॉल्व in होते हैं अभी बताया violence, ना बेटा ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और एंटीपेरासिटिक होते हैं लिंफोसाइड डब्ल्यू बी सी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स यस ऐसी कोई भी लिंफोसाइड जिसके पास मेमोरी सेल होती है मींस बी एंड टी लिंपोसाइड बोथ आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स तो कितने करेक्ट पूछे इन्होंने वन टू थ्री फोर फोर समझ गए करेक्ट मैच पूछे इन्होंने हाउ मेनी आर करेक्टली मैच तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे फंक्शन आपको पता होने चाहिए विच आर द फॉलोइंग इज सेल फ्रेगमेंट आप समझ गए ब्लड प्लेटलेट्स इट इज अ सेल फ्रेगमेंट्स ब्लड ग्रुप अगेन इंपॉर्टेंट ये समझना है ठीक है अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है ये पता होना चाहिए तो ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन बेटा तो ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है ये चीज पता होनी चाहिए ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन एंटीजन बिज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आर बी सी तो कितने टाइप के एंटीजन होते हैं जो इस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू टाइप्स ऑफ एंटीजन ओके okay, चलो खैर तो कितने टाइप के एंटीजन होते हैं बेटा जो इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं तो ध्यान रखना मेरी बात ठीक है ब्लड ग्रुप एज यू समझना समझा देता हूं मैं पहले तो जो ब्लड ग्रुप भाई ब्लड ग्रुप किसके रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन ब्लड ग्रुप भाई ब्लड ग्रुप तो बहुत टाइप के होते हैं ए बी ओ के अलावा भी ब्लड ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप एम ब्लड ग्रुप एन एटसेट्रा बट कॉमन ब्लड ग्रुप जो पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं ए बी एबीओ तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये वाइडली यूज ऑल ओवर बर्ड ये मिनली किस पर बेस्ड है RBC, कौन कौन से एंटीजन ए मेरी बात तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एबसेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन जिनको केमिकल्स भी बोल सकते हो ठीक है जो मीन रिस्पांसिंग ऑन द आरबीसी ने बात करता हूं पहले मैं इन टू सरफेस एंटीजन देखो मान लो किसी की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उस इंसान का ए अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका बी समझना मान लो आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन है ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए बी और मान लो आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन है ही नहीं ना ए एंटीजन है ना बी तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जीरो मतलब ओ तो समझ में आ गया होगा जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए ए बी बी ओ समझना इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं ये किस पर बेस्ड होता है ये बेस्ड होता है टू टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी कौन कौन से एंटीजन ए एंटीजन एंड बी एंटीजन आपके सामने है भाई ए है तो ए ब्लड ग्रुप बी है तो बी ब्लड ग्रुप दोनों हैं एबी ब्लड ग्रुप दोनों ही नहीं हैं तो ओ ब्लड ग्रुप एक बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं आगे अगर मैं एंटीबॉडी की बात करता हूं तो नेचर ने ध्यान रखना ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी भी बनाए हैं जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होंगे अपोजिट एंटीबॉडी होंगे बी एंटी बॉडी ध्यान रखना ऑलवेज किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कंडीशन क्या होगी ये कंडीशन होगी मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है बी का मतलब है आरबीसी की सरफेस पर कौन से एंटीजन होंगे आप समझ गए बी एंटीजन होंगे तो प्लाज्मा में कभी भी बी एंटीबॉडी नहीं होंगे क्योंकि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट कर जाते हैं को एगुलेशन हो जाता है क्लॉटिंग हो जाएगी रिएक्शन हो जाएगी तो नेचर ने अपोजिट एंटीबॉडी बनाई बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है एंटीबॉडी पर कहीं कहीं नेचर ने भाई ए बी ब्लड ग्रुप भी बनाया देखा होगा आपने मतलब आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन है ये भी है और ये भी है तब नेचर ने सोचा कि अगर एक भी एंटीबॉडी बना दिया इसके अंदर तो खेल खराब हो जाएगा तो यहां पर एंटीबॉडी नहीं होते आप समझ रहे हो पर नेचर ने ऐसा भी ब्लड ग्रुप बनाया जिसमें आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तब वहां नेचर ने ए एंड बी बोथ टाइप के एंटीबॉडी प्लाज्मा में बना दिए क्योंकि तो कोई डर नहीं है तो यह कंसेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर किसी के प्लाज्मा में पर ध्यान रखना है आर एच के केस में आर एच के केस में एंटीबॉडी नहीं होते नेचुरली आरएच एंटीजन जो बताने वाला हूँ कि आप थोड़ा बहुत रॉपर के बच्चे हो तो आप जानते हो गए कि आरएच एंटीजन जो रेसिस मंकी के आरबीसी की तो पहले देखा गया था उसी के बेस पर तो हमने ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव टर्म यूज किया ए ब्लड ग्रुप पर साथ में आर एच एंटीजन है तो ए पॉजिटिव और आर एच एंटीजन नहीं है तो ए नेगेटिव ऐसे ही टर्म हम बताते हैं आगे तो आप यहां बात कर रहे हैं एंटीबॉडी समझ में आ गया अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ए बी और ओ आपके सामने आ गया अब यहां पर हम डोनर कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन की बात करेंगे डोनर कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन यानी डोनर किस किस को दे सकता है अब देखो मेन जहां से क्वेश्चन बनता है दो बातें समझनी होगी आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डोनर्स एक बिस्तर बना देते हैं ठीक है ये रिसिपियट है जो रिसीव करेगा ये डोनर है जो देगा ठीक है अगर हम डोनर की बात करते हैं डोनर का हमेशा हम क्या काउंट करते हैं एंटीजन रिसीवर की हमेशा क्या काउंट करेंगे एंटीबॉडी जब भी कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन होगी जब भी कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन की बात करेगा कौन सा डोनर किसको दे सकता है कौन सा किससे ले सकता है तो एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए डोनर देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी क्योंकि जब वो देता है बॉडी में कोई भी चीज इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी में किसी भी चीज को इनबिल्ड किया जाता है तो वो बॉडी के लिए फॉरिन पार्टिकल है और फॉरिन पार्टिकल है मींस बॉडी के लिए वो एंटीजन है तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का क्योंकि बॉडी का जो ले रहा है उसका अपना इम्यून सिस्टम मतलब अपने एंटीबॉडी उससे रिएक्ट ना कर जाए तो कभी भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए मतलब लेने वाले के एंटीबॉडी देने वाले के एंटीजन के सिमिलर नहीं होने चाहिए खेल खराब हो जाएगा लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी मैच करेंगे और देने वाले का एंटीजन ये कभी सिमिलर नहीं होने चाहिए कोएगुलेशन हो जाएगा क्लंपिंग हो जाएगी तो आप समझना मेरी बात अगर मैं आपसे कहूं भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए है ए होने का मतलब है भाई ए ब्लड ग्रुप होने का मतलब है आरबीसी के सरफेस पर क्या लगे होंगे ए ए तो ब्लड ग्रुप है किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो आरबी सरफेस पर बी एंटीजन ए भी है दोनों एंटीजन और ओ है कोई भी एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी हमेशा तो प्लाज्मा में अपोजिट अपोजिट ठीक है अपोजिट एंटीबॉडी होंगे भाई दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी तो होंगे ये चीज समझ में आ गई अब समझना यह है डोनर भाई ए को कौन कौन दे सकता है ए किस किस से ले सकता है आप समझना ए किस किस से ले सकता है ए उसी से लेगा यानी काम क्या देखेंगे एंटीबॉडी ए उसी से लेगा जिसके अंदर ए एंटीजन ना हो भाई ए का मतलब है बी एंटीबॉडी तो लेने वाले का हम क्या देखने वाले हैं एंटीबॉडी देने वाले का एंटीजन तो ए किस किस से ले सकता है ए उससे ले सकता है जिसके अंदर क्योंकि ए के अंदर बी एंटीबॉडी होंगे जिसके अंदर बी एंटीजन ना हो तो बी एंटीजन कहां कहां नहीं होते हैं ठीक है तो बी एंटीजन आप जानते हो ए के अंदर नहीं होते बी एंटीजन ओ के अंदर नहीं होते ए के पास ए एंटीजन होते हैं ओ के पास एंटीजन होते ही नहीं है इसीलिए तो ओ किसी को भी दिया जा सकता है यूनिवर्सल डोनर क्योंकि देने वाले का एंटीजन और ऐसा देने वाला इसके पास एंटीजन ही नहीं है आंखें बंद करके किसी को भी दे दो समझना मेरी बात एक बात तो समझो अभी समझ में आ गया होगा रटना मत समझना क्या एक्चुअल में क्या है रटंत विद्या फलंत ना ही रटोगे सब भूल जाओगे बॉलोजी टोटल कंसेप्चुअल है ठीक है ऐसे हम बात करते हैं बी की भाई बी का ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया ये कंसेप्ट समझ तो में आ गया अब हम बात करते हैं बी को कौन कौन दे सकता है डोनर कौन हो सकता है तो बी ब्लड ग्रुप मतलब ए एंटीबॉडी यानी ऐसा डोनर जिसके पास ए एंटीजन ना हो तो ए एंटीजन कहां का नहीं होगा भाई बी के पास ए एंटीजन नहीं होगा ओ के पास तो एंटीजन है ही नहीं यूनिवर्सल डोनर तभी तो यूनिवर्सल डोनर बोला क्योंकि एंटी जन ही नहीं है और देने वाले का एंटीजन तो यूनिवर्सल डोनर चलो ठीक है अब ए बी को कौन कौन दे सकता है भाई ए बी को वो दे सकता है क्योंकि ए बी के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी को कोई भी दे सकता है कोई भी दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है क्योंकि लेने वाले का एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजन तो मैच करना है ये ऐसा लेने वाला है इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है एंटीबॉडी नहीं तो किसी से भी ले सकता है ये यूनिवर्सल रिसिपियन ए भी दे सकता है ए भी दे सकता है बी भी, भी, भी दे सकता है वो भी दे सकता है पर ओ बेचारा इसके पास दोनों एंटीजन है ऐसा लेने वाला जिसके पास दोनों एंटीजन है तो उसको कौन दे सकता है वही दे सकता है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी ना हो समझ रहे ना मेरी बात सॉरी जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो देने वाले का एंटीजन तो ऐसा कौन है जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं होता आप समझ गए ओ ओ यानी को सिर्फ ओ ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता तो ये कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन समझ में आनी चाहिए बस एक कंसेप्ट ध्यान रखो डोनर का एंटीजन रिसिपियंट की एंटीबॉडी ये मैच करनी है ठीक है अगर इम्यूनोलॉजिकल कंसेप्ट पर जाओगे अगर आप थोड़ा ब्रॉड सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ब्रॉड में क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फॉरिन पार्टिकल बॉडी में इंड्यूस किया जाता है विच एक्ट एज एंटीजन कुछ भी हो तो देने वाले का हमेशा एंटीजन और अपनी उसका रिस्पांस किससे होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से मीस बॉडी की एंटीबॉडी से इसलिए मैचिंग किसकी होती है हमेशा डोनर का एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी की मैचिंग होती है यही कॉम्पटेबिलिटी रिएक्शन है यही सुपर इम्यूनोलॉजिकल कंसेप्ट है समझ गए हो ठीक है क्वेश्चन ब्लड ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी गिविन टू बी ब्लड ग्रुप पेशेंट बिकॉज भाई ए बी ब्लड ग्रुप का डोनर बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को डोनेट नहीं कर सकता समझना मेरी बात ए बी रट्टा नहीं मानना है ए बी ब्लड ग्रुप है भाई ए बी सॉरी A, B blood group है A, B blood group होने का मतलब है इसके पास ए एंटीजन भी है इसके पास भी है है ये ये देने 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 वाला वाला और देने वाले का antigen ही देखते हैं दोनों है. तो ऐसा लेने वाला, समझ ना, ये कि, अच्छा किसकी बात कर रहा है बी ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता अब देखो ये बी ब्लड ग्रुप है अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी कौन से होंगे बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए होंगे तो भाई ए बी बी को नहीं दे सकता क्योंकि यहां पर ए एंटीजन है और यहां पर ए एंटी बॉडी है मैच कर जाएंगे समझ गया आ गया होगा पेशेंट के पास ए एंटी बॉडी होने की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप ठीक है बी ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे नहीं तो ये क्वेश्चन सिली मिस्टिक से गलत हो जाते हैं मुझे पता है बच्चे गलत करते हैं क्योंकि तो मुझे पता है जब हम टेस्ट लेते हैं कंटिन्यू ठीक है ऑफलाइन के अंदर फिर दिखाते हैं बच्चे और सर सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक और सिली मिस्टेक क्यों होती है कंसेप्ट ध्यान रखो देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी मैच करनी है ठीक है तो पेशेंट के पास पेशेंट हैज एंटीबॉडी बी ना बेटा पेशेंट लैक एंटीबॉडी बी ना बेटा पेशेंट लैक एंटी एंटीबॉडीज बो, एंटी ए ना बेटा पेशेंट हैज एंटीबॉडी ए इसीलिए इसको दिया नहीं जा सकता क्योंकि तो पेशेंट के पास ए एंटीबॉडी है समझ रहे हो इसीलिए भाई बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के पास ए एंटीबॉडी है इसीलिए इसको दिया नहीं जा सकता एंटी बॉडी लेने वाले का एंटीबॉडी देने वाले का एंटीजन समझ में आ गया होगा ये तो सिंपल करी पाओगे ऐसा क्वेश्चन बनता है एनसीआरटी बेस्ड बनता है देखो तो भाई ए ब्लड ग्रुप है ए एंटीजन तो बी एंटीबॉडी एक कौन कौन डोनर हो सकता है ए हो सकता है वो हो सकता है रट्टा नहीं मानना समझना है बी है तो बी ही एंटीजन होगा ठीक है एंटी ए एंटीबॉडी होगी इसको एंटी ए एंटीबॉडी भी बोल सकते हो ठीक है अपोजिट भाई ये ठीक है यहाँ क्या पूछना चाह रहा है भाई ए बी है ए बी का मतलब दोनों ही एंटीजन होंगे ए बी होगा बी बीबी होगा ठीक है दोनों होंगे तो कौन दे सकता है सब दे सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है ए भी दे सकता है बी भी दे सकता है ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ओ ठीक है यही पूछा था उन्होंने ए बी सी तो आप देखो अब ये कहते हैं कॉलम ए दे रखा है कॉलम बी दे रखा है ठीक है फर्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा फर्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा बेटा एंटी बी एंटीबॉडी सेकंड वाले कॉलम में क्या आएगा सेकंड वाले में देख लो सेकंड वाले में ओ आएगा ओ थर्ड वाला कॉलम का है थर्ड वाले में बी आएगा बी देखो थर्ड वाले में बी बी आ गया फोर्थ वाले कॉलम में देखो ए बी फोर्थ वाले में ए बी ए बी गिफ्ट वाले में क्या आएगा हो गया मैच तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है रट्टा नहीं मारा तो आप कर पाओगे सीधी सी ऑफ आरबीसी ऐसे ही जब साइंटिस्टों ने देखा रिस मंकी जो अपना ही मंकी है जो इंडिया में मिलता है ठीक है इसकी सरफेस पर ए बी ओ के अलावा एक विशेष टाइप की एंटीजन और थी इसको हम एंटीजन कहते थे पर इस आर एच एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी बॉडी में नहीं होती कोई आर एच पॉजिटिव हो यानी आर एच एंटीजन हो तब भी उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे और आर एस निगेटिव तब भी उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होंगे यानी यहां एंटीबॉडी नेचुरली नहीं होते सिंपल सी बात समझना ठीक है और मैं इंडिया के अंदर समझना मैक्सिमम लोग बर्ड में ही मैक्सिमम लोग आर एच पॉजिटिव होते हैं ठीक है

जिस पर एराथ्रो ब्लास्टोलिस ब्लास्टोस फिटालिस क्वेश्चन बनता है समझो एक कंसेप्ट सुपर कंसेप्ट जिससे कि गर्ड बड़ी नहीं होगी मान लो कोई एक आर एच पॉजिटिव है कोई ठीक है आर एच पॉजिटिव इधर दिखा देते हैं आर पॉजिटिव कोई फीमेल ले लेते ले हैं ले 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 ले, चलो आर एच पॉजिटिव फीमेल सॉरी आर एस निगेटिव फीमेल अब समझना ये तो ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने कोई आर एस पॉजिटिव मेल फीमेल कोई भी एक्स बाई जेड पर यहां फीमेल की बात कर लेते हैं मेल भी ले सकते थे पर हम इवन फीमेल का के केस डिस्कस कर रहे तो फीमेल ही लेते हैं ठीक है यहाँ मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है मेल हो ठीक है फीमेल हो या मेल हो एक्स बाई जेड या हमने फीमेल ले लिया ठीक है अब होगा क्या अगर इस फीमेल को लाइफ के किसी पड़ाव में ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई ठीक है समझना ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई जैसे इसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव एक डोनर मिल गया उसका ब्लड ग्रुप था ओ पॉजिटिव भाई ओ ओ मैच करके उठा के चढ़ा दिया तो क्या आएगा प्रॉब्लम देखो ठीक है मानो इसका कोई किसी का ब्लड ग्रुप था मान लेते हैं चलो ए ले, ले लेते हैं ए पॉजिटिव लिख गया हमसे ठीक है इसका ब्लड ग्रुप मान लो ए नेगेटिव समझना हमने गलती से क्या किया डोनेट कर दिया भाई ए पॉजिटिव नेगेटिव के तो अंतर था डोनेट कर दिया हमने नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान ही नहीं दिया तो गलती क्या होगी अब देखो फीमेल का केस है दिक्कत आ जाएगी तो हुआ क्या अभी ये अनमेरिड थी हुआ क्या ये आर थी इसकी सरफेस पर दो टाइप के एंटीजन थे ए एंटीजन भी थे और आर एच एंटीजन भी थे तो पॉजिटिव है उठा करके हमने इसको डोनेट कर दिया इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया ठीक है तो क्या होगा जब ये आरबीसी इसकी बॉडी में एंटर करेगी दिस अ कंसेप्ट समझना जिसकी सरफेस पर ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है लिख देते हैं ये तो गया ए एंटीजन ए एंटीजन ये हो गया आर एच एंटीजन अभी तो ए पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं यही ए है तो मैच कर गया पर आर एच एंटीजन ये आर एच एंटीजन दिख रहे ना ये इसकी बॉडी के लिए अनोन है आर एच एंटीजन तब तो आर एच एंटीजन जब पहली बार किसी नेगेटिव की बॉडी में एंटर करेंगे तो इसके लिए तो फॉरेन पार्टिकल हो गया ना एक्ट एज एंटीजन तो इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा इम्यून रिस्पॉन्स क्या दिखाएगा आप देखो ऑटोमेटिकली इसकी सेल के अंदर क्या होंगे बी लिंफोसाइड कौन होंगे बी लिम्फोसाइड और बी लिंफोसाइट की सरफेस पर कौन लगे होते हैं आप जानते हो बी लिंफोसाइट की सरफेस पर होते हैं एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी बाइंड कर गए इन एंटीजन से एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग हो गई इन कोई फॉरिन पार्टिकल तुरंत ही ये प्लाज्मा सेल डिवाइड करेंगे और ये बना देंगे मेमोरी सेल ये बीलिंफोसाइड डिवाइड करेंगे बन जाएंगे प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल और ये कौन से एंटीबॉडी बनाएंगे ये बनाएंगे भाई पहली बार गया है फर्स्ट टाइम एंट्री की है तो आई जी एम भी बनाएंगे बट ज्यादा आईजीएम होंगे आईजीजी बहुत कम बनते हैं आईजीजी कम बनाएंगे फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है ठीक है इट इज अ फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट इम्यून

हस्बैंड से मान लो वो आर पॉजिटिव था तो बेबी जो कंसीव हुआ वो आर पॉजिटिव था मतलब सिंपल सी बात है आर एच निगेटिव फीमेल थी और इसका बेबी जो कंसीव हुआ वो आर पॉजिटिव था ठीक है तो क्या होगा तो इसके केस में फर्स्ट बेबी के केस में भी क्या हो जाएगा डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है चलो वो एक केस मैं आगे डिस्कस करता हूं अभी सेकंड केस समझो एक केस और समझो कि मान लो इसी फीमेल को सेकंड टाइम ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई तो इसने कहा कि मेरा पड़ोसी था उसने पिछली बार ब्लड दिया था तो मैं बच गई थी इस बार भी उसी को कॉल कर देती हूं शायद फिर बच जाऊं मैं ठीक है उसको कॉल किया कॉल किया उसने सेकेंड टाइम ब्लड डोनेट किया अब क्या होगा इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही ये आरबीसी उसके आरबीसी उसके ब्लड में एंटर करेंगे जिनके पास पहले ये वाला केस समझा दूं फिर सेकेंड केस बात करेंगे उसके बारे में जिसके पास आरएच एंटीजन थे क्या थे आरएच एंटीजन ये थे तुरंत ये आर एच एंटीबॉडी पहले से बन चुके थे ये तुरंत जाएंगे इनके संग क्लंपिंग कर देंगे को एगुलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा को एग्यूलेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और सारे आरबीसी क्लॉट कर जाएंगे और इस फीमेल की डेथ हो जाएगी क्योंकि इसके आरबीसी कम होने चालू हो जाएंगे इसको जोंडिस हो जाएगा इसको एनीमिया हो जाएगा आफ्टर सम टाइम्स इसकी डेथ हो जाएगी ठीक है इसीलिए ध्यान रखना कि नेगेटिव जैसे ओ यूनिवर्सल डोनर है पर ओ पॉजिटिव नेगेटिव में से यूनिवर्सल डोनर कौन होगा ओ नेगेटिव क्योंकि ओ नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा सेफ है क्योंकि तो उसके पास आरएच एंटीजन भी नहीं है समझ में आया तो ये इम्यूनिटी कांसेप्ट तक इसी पर सारी चीजें बेस्ड होंगी जब भी कोई एंटीजन किसी नेगेटिव वाले में एंटर करेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं और ये एंटीबॉडी सेकंड टाइम सेकंड टाइम समझना अगर ब्लड एंटर किया तो कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पहले एंटीबॉडी नहीं थे अब एंटीबॉडी बन गए और जब सेकेंड टाइम एंटीजन किया तब इन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा और क्लंपिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी एक बात तो समझ में ये कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा अब इस कंसेप्ट को हम लगाएंगे रेथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस में अब मजा आएगा समझाने में ठीक है अब देखो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस बेसिक बात समझ में आ गया कि आरएच एंटीजन आरएच एंटीबॉडी क्या है ठीक है अब ये कहां पर एप्लीकेबल हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकंपैटिबिलिटी मिसमैचिंग इस पर हम बात करने वाले हैं ये स्पेशल केस क्या है देखो स्पेशल केस क्या है अ स्पेशल केस स्पेशल केस है अगर किसका आरएच इनकंपैटिबिलिटी मिसमैचिंग का केस क्या है ये केस है बेटा कि अगर अगर आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर कोई मदर है प्रेगनेंसी का है का है ठीक का समझना बिगड़ जाएगा आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज दर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी पर आगे दिक्कत होगी अब समझाता हूं मैं देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है हम बात कर रहे हैं आरबीसी ब्लास्टोसिस फिटैलिस मतलब अंदर तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है भाई बेबी कैसा था आर एच पॉजिटिव मदर कैसी थी आर एच नेगेटिव ठीक है ऑटोमेटिकली अब क्या होगा पहला बेबी भाई आप जानते हो नॉर्मल प्लेसेंटा एक बैरियर है कभी भी फीटस का ब्लड और मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं होते अलग अलग होते हैं ठीक है बेबी नाइन मंथ कंप्लीट कर जाएगा बेबी बाहर आएगा जब बेबी बाहर आएगा तो प्लेसेंटा टूटेगा डिटैच होगा उस समय ब्लीडिंग हो जाएगी और जब ब्लीडिंग हो जाएगी तो फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में एंटर कर जाएगा करा दे एंटर ठीक है कर गया एंटर ये फीटस की आरबीसी है ये फीटस के अंदर की आरबीसी थी ये बाहर चली गई मदर के ब्लड में एंटर चली कर गई कब जब प्लेसेंटा टूटा तो जब मदर के ब्लड में एंटर करेगी फीटस की आरबीसी तो ये कौन थे ये थे बी लिम्फोसाइड उससे ये जुड़ जाएगी क्या बन जाएंगे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बन जाएंगे ठीक है आप समझ में आ हो होगा एन टी आर एच आई जी एम इन्होंने आईजीएम लिखा है पर ध्यान रखना आईजीएम एंड आईजी जी दोनों ही बनते हैं ये बहुत ज्यादा बनते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में वो बहुत कम बनते हैं ठीक है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं चलो ठीक है इस मदर को कोई दिक्कत नहीं हुई फिटस को भी कोई दिक्कत नहीं हुई पर ये एंटीबॉडी बन चुके हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो चुका है साथ साथ में मेमोरी सेल भी बन चुके हैं पहला बेबी नॉर्मल हो गया फर्स्ट बेबी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब क्या हुआ सेकंड बेबी सेकंड प्रेगनेंसी मदर को पता ही नहीं था कि केस क्या था सेकंड बेबी में क्या हुआ भाई इम्प्लांट हुआ इम्प्लांट होने से क्या हो गया ठीक है अगर थोड़े से भी आरबीसी रिलीज कर गए भाई कहीं ना कहीं इंटरक्शन हो गया मदर के ब्लड से तो मेमोरी सेल तो थे ही तुरंत मेमोरी सेल से क्या होगा ये प्लाज्मा सेल बनाएंगे और प्लाज्मा सेल लार्ज अमाउंट में आईजीजी बना देंगे सेकेंड आई जी इम्यून बना में आईजीजी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं बनते हैं और आईजीएम तो पहले बन ही चुके थे ठीक है पर आईजीएम कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं आईजीजी ठीक है आईजीजी भी बन जाते हैं यहां पर आईजीएम एंड आईजीजी दोनों ही बनते हैं पर आईजीएम बहुत ज्यादा बनते हैं आईजीजी से जबकि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं यहां आईजीजी बहुत ज्यादा बनते हैं आईजीएम से ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनिटी के अंदर वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पर समझा रहा हूं मैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी का केस है कि अगर जरा सा भी लीकेज हो गया तो आईजीजी लार्ज अमाउंट में बन जाएंगे सेल से ये बन जाएंगे और ये बन जाएंगे तो क्या करेंगे ये सीधे आई जी जी ये सबसे छोटे एंटीबॉडी होते हैं जो प्लसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल हैं और जो क्रॉस करके सीधे फीटस में जाएंगे और सारी आरबीसी को कोएगुलेट कर देंगे सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में आरबीसी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से फीटस को जॉन्डिस हो जाएगी एनेमिया हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी फर्स्ट बेबी में कोई दिक्कत नहीं थी सेकेंड में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फर्स्ट बेबी के केस में एंटीबॉडी नहीं बने थे समझ रहे हो जब नाइन मंथ फर्स्ट बेबी कंसीव करने से पहले एंटीबॉडी नहीं बने थे जब डिटैच हुआ तब एंटीबॉडी बने इसलिए फर्स्ट बेबी नॉर्मल पर आपसे कहा जाए कि अगर एक आरएच निगेटिव फीमेल है ये में क्वेश्चन है और उसका बेबी आर एच पॉजिटिव है।, है फर्स्ट बेबी का केस है समझना पर उस फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आरएच पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर दिया गया था ठीक है कहानी समझाई जाएगी तो बताओ पहला बेबी नॉर्मल होगा ठीक है या जो भी है सेकंड बेबी का पहले बेबी रेथ्रो ब्लास्टोसलिसकेंड शो करेगा सेकंड करेगा इस तरीके से पूछेंगे तो फर्स्ट बेबी के केस में ही रेथ्रो ब्लास्टोस हो जाएगी क्यों क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उसको ब्लड डोनेट किया गया उसके अंदर एंटीबॉडी बन गए एंटीबॉडी बन गए तो पहला बेबी कंसीव करेगा तो पहले बेबी में ही वो एंटीबॉडी क्रॉस करके बेबी को एरेथ्रो कर देंगे समझना इसलिए वो कंसेप्ट मैंने पहले बताया कि अगर फीमेल का केस है फीमेल का केस है उसको पहली प्रेगनेंसी या मैरिज से पहले गलती से नेगेटिव थी पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर दिया किसी ने तो बॉडी में क्या बन गया एंटीबॉडी उसको नहीं पता था फिर उसने पहला बेबी कंसीव किया पहला बेबी कंसीव किया तो पहला ही बेबी की डेथ हो गई क्यों हो गई क्योंकि तो एंटीबॉडी पहले बन चुके थे तो नॉर्मल केस में क्या होता है पहला बेबी नॉर्मल होता है फिर सेकेंड बेबी केस में रेथ्रो ब्लास्टोसिस होती है आप समझ गए गएगी मेरी बात ठीक है पर यह केस समझ में आ गया होगा अब केस क्या है मान लो फीमेल है पहला बेबी का केस है डॉक्टर से कंसल्ट की जाएगी पर शर्त है उसको पहले से ब्लड डोनेट ना हुआ हो ये शर्त जो मैंने सेकंड केस से बताया वो ठीक है तो पहले बेबी को तो बच बची जाएगा पर दूसरे बेबी को भी बचाया जा सकता है पर अगर उसको पहले से कोई पॉजिटिव ब्लड डोनेट ना किया गया हो मतलब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ना बने हो मेमोरी सेल ना बने हो तो हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए रोगम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट होता है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं एंटी एनटीआरएच एंटी आर एच एंटीबॉडी इसको रोगम एंटीबॉडी बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको हम देते हैं अब समझना। कब देते हैं केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट के केस के में भाई first pregnancy के केस में क्या होता है मदर तो आर एच नेगेटिव है मदर कैसी है नेगेटिव है इसकी बॉडी में एक भी एंटीबॉडी नहीं थे तो ही है ये केस बेबी कैसा है आर एच पॉजिटिव है तो जब बेबी का प्लेसेंटा डिटैच होता है उससे पहले हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआर रियलिटी में ऐसा नहीं होता रियलिटी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रीटमेंट कई बार दिया जाता है पर रियलिटी से मतलब नहीं अभी तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआर अगर हम बात करते हैं तो जैसी बेबी का बर्थ होगा आफ्टर डिलीवरी तुरंत ही हम एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे ये एंटीबॉडी हम कहा इंजेक्ट करेंगे अराउंड द प्लेसेंटा ये कौन से एंटीबॉडी है अभी बताया है, मैंने एंटी एंटीआरएच एंटी बॉडी प्रपेयर्ड एंटीबॉडी होते हैं हम इनको इंजेक्ट कर देंगे जब हम इन एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर देंगे तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे इन आरबीसी को चारों तरफ से कवर कर लेंगे यानी इन आरबीसी को मेमोरी सेल के कांटेक्ट में नहीं आने प्लास बी लिंफोसाइड के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे बी लिंफोसाइड के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देंगे जब ये आरबीसी इनके कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे समझना मेरी बात क्योंकि क्यों क्योंकि इन्होंने रोगम एंटीबॉडी ने इनको कवर कर लिया तो आगे क्या मेमोरी सेल बनेंगे नहीं बनेंगे यानी मेमोरी सेल नहीं बनेंगे मतलब सेकंड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा भाई सेकंड बेबी क्यों नहीं हो पा रहा क्योंकि मेमोरी सेल बन गए थे सब चीजें मिक्स मत करना समझना एक आर एच नेगेटिव फीमेल है नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं उसकी मैरिज हुई ठीक है आर एच पॉजिटिव मेल से मतलब उसका पहला बेबी आर एच पॉजिटिव है बेबी कैसा है आर एच पॉजिटिव मदर मतलब कैसी है आर एस नेगेटिव ये कंसेप्ट याद रखो तो क्या होगा फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा पर सेकेंड थर्ड फोर्थ सब रेथ्रोब्लास्टोसिड फिटाइलिस हो जाएगी ठीक है हाँ पर फर्स्ट बेबी के केस के में अगर ट्रीटमेंट करा लिया जाता है तो सेकेंड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा सेकंड केस के से में ट्रीटमेंट करा लिया जाता है तो थर्ड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा आखिर फर्स्ट बेबी के केस के, के बाद रेथ्रोब्लास्टोसिड फिटाइलिस क्यों होगी समझना अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो जब प्लेसेंटा डिटैच होगा तो मद फीटस के आरबीसी मदर में एंटर कर जाएंगे मदर के लिए वो अननोन है क्योंकि आर एच एंटीजन मदर के ब्लड में नहीं था वो प्लाज्मा सेल्स वो बी बीलिम्फोसाइड से इंटरेक्ट करेगा वो जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन कर देगा पहले मदर के ब्लड में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल नहीं थे अब बन गए एंटीबॉडी बन गए जब वो मदर सेकेंड बेबी कंसीव करेगी तो ये प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल एंटीबॉडी बना करके उस बेबी को डेथ कर देंगे रेथ्रो कर देंगे समझ में आ गया होगा पर शर्त है उस फीमेल को अगर बेबी कंसीव करने से पहले कहीं गलती से ब्लड डोनेट कर दिया गया था तो ये एंटीबॉडी तो बेबी कंसीव करने से पहले ही बन चुके हैं अब कुछ नहीं हो सकता जब भी बेबी कंसीव होगा ये एंटीबॉडी तुरंत तो का क्रॉस करेंगे आईजीजी आईजीजी क्रॉस करते हैं और कोई नहीं कर सकते क्योंकि सबसे छोटे तो आईजीजी होते हैं ठीक है क्रॉस करेंगे एराथ्रोब्लास्टोसिस कर देंगे एक केस तो यह हो गया अगर ब्लड डोनेट फीमेल को पहले कर दिया है तो पहला बेबी भी कंसीव नहीं होगा अगर ब्लड डोनेट नहीं किया आर एस पॉजिटिव यानी फीमेल के बॉडी के अंदर मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल नहीं है तो पहला बेबी नॉर्मल होगा सेकंड के केस में ये प्रॉब्लम आएगी पर अगर सेकंड को भी चाहते हो तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा एंटी आर एंटीआरएच एंटीबॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोगम एंटीबॉडी ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तो सेकेंड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन है इन रेथ्रो ब्लास्टोसिस कंडीशन ए फ्रॉम मदर कैन लीक इंटू ब्लड ऑफ द फीटस ठीक है तो अब क्या होगा यहां पर कौन लीक करेगा आर एच एंटीबॉडी कौन लीक करेगा आर एच एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इंटू द ब्लड ऑफ द फीटस दीज कैन बी एवॉडेड बाय इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा एंटी आर एच एंटीबॉडी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ठीक है तो आर एच एंटीबॉडी ध्यान रखना है

मान लो उसका हाथ है मान लो ठीक है अक्सर अगर मैं ऐसा ही हाथ बना देता हूं ये इसके चोट लग गई टिश्यू में इंजरी हो गई ठीक है इंजर्ड टिश्यू अगर टिश्यू में इंजरी हो जाती है इंजर्ड टिश्यू ये रिलीज करते हैं इंजर टिश्यू क्या रिलीज करते हैं रिलीज क्या रिलीज करते हैं ये इंजर टिश्यू रिलीज करते हैं थ्रोम्बो प्लास्टिन अब समझना थ्रोम्बो प्लास्टिन पहली बात अगर हम थ्रोम्बो प्लास्टिन की बात करते हैं तो ये थ्रोम्बो प्लास्टिन आगे क्या करेगा समझना मेरी बात आगे मैं समझाता हूं और अब यहां पर क्या होगा जब भी टिश्यू इंजर्ड होते हैं थ्रोमोप्लास्टिन रिलीज करते हैं तो यहां पर अट्रैक्शन की वजह से प्लेटिलेट्स का एक्यूमुलेशन, प्लेक फॉर्मेशन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है प्लेटिलेट्स ये प्लेटिलेट्स भी रिलीज करते हैं प्लेटिलेट्स पूरी मैकेनिज्म है पर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं जो समझ में आ जाएगी आपके प्लेटिलेट्स भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बो प्लास्टिन एटसेट्रा मतलब पूरा कंपोनेंट मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इसका भी कोएगुलेशन थ्रोमोप्लास्टिन अब क्या होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटिलेट्स थ्रोमोप्लास्टिन एटसेट्रा पूरा कोएगुलेटिंग सिस्टम ये सब कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कौन से आयन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पर कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं प्रथोंबी या थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बो यह जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पूरा लिख दो जब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो क्या होता है अब देखो आगे बढ़ते हैं अच्छा तो आगे क्या होगा देखो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो काम करेगा नंबर वन इनएक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन भाई लोकल साइड में को इनएक्टिवेट करेगा क्योंकि एंटी कोएगुलेंट है को रोकेगा ये ठीक है और नंबर टू कन्वर्ट करेगा ब्लड में एक प्रोटीन होती है आप जानते हो प्रोथोम्बेन प्रो प्रो मतलब इनएक्टिव प्रो लग गया आगे प्रो प्रोथोम्बेन ये इनएक्टिव ब्लड प्रोटीन है आप जानते हो इनएक्टिव ये कन्वर्ट होती है बेटा इसकी हेल्प से एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म अच्छा एक दो बात और ध्यान रखनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये प्रोथोम बिन बनती कहां है बता चुका हूं मैं कहा प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस बाय लिबर पहली बात किससे बनती है फ्रॉम विटामिन के विटामिन के का रोल होता है बनाने में और विटामिन के को कौन बनाता है गट बैक्टीरिया। हम एडिशनल बाहर से भी लेते हैं पर गट बैक्टीरिया भी इसको बनाने का काम करते हैं ठीक है विटामिन बी एंड के बी कॉम्प्लेक्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके रिलेटेड में लिख दिए ठीक है।, है ये इनएक्टिव था ये एक्टिव हो गया प्रो हमने हटा दिया अब क्या होगा जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या काम करेगा नेक्स्ट प्रोटीन कौन सी थी फिब्रीनोजन ओजन अगेन ओजन इनएक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है लास्ट में ओजन और स्टार्टिंग में प्रो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेक्टिवेशन अगेन ये क्या है एक तरीके से सोलिबिल फाइबर होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव सोलिबिल फाइबर बस इनको क्या करना है एक्टिव फॉर्म में लाना है तो ये थ्रोमिन का काम करेगा इसको एक्टिव करेगा और बना देगा फेब्रिन ये क्या है इन फाइबर इन सोलबल फाइबर बस ये सोलिबल फाइबर इनसोल्यूबल फाइबर में कन्वर्ट होते ही एक नेटवर्क बनाएंगे नेटवर्क इनसोल्यूबल फाइबर का नेटवर्क जिसके अंदर ब्लड में मिलने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे सॉफ्ट क्लॉट बन जाएगा सॉफ्ट क्लॉट जो एयर के कांटेक्ट में आएगा देन आफ्टर सम टाइम कैसा हो जाएगा हार्ड क्लॉट एकदम समझ में आया होगा ये हो गई कंप्लीट क्लॉटिंग मैकेनिज्म ठीक है ये मैकेस्केट सिस्टम है सिस्टम समझ रहे हो ना यानी हर चीज एक दूसरे को लीड कर रही है देखो तो यहां से चला ये ठीक है इसका रिलीज होना फिर इसके डिपेंड करता है इसका रिलीज होना इस पर डिपेंड करता है फिर ये क्या करेगा इसको ये काम करेगा मतलब हर चीज एक दूसरे पर नहीं। एक भी मीडिएटर गायब हो गया इसमें थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और एक फैक्टर की भी कमी हो गई तो वर्क नहीं होगा तो ऐसा सिस्टम जो कई इंटरमीडिएट के थ्रू चलता है जिसमें हर प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए समझना कैटलिस्ट का काम करता है तो इसको कहते हैं है इट इज अक्स ऑफ रिस्पॉन्स एनसीआरटी की लाइन है दैट स्टॉप ब्लीडिंग इस सिक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स को बोलते हैं कास्केट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट कास्केट सिस्टम ध्यान रखना है जहां पर क्या हुआ ईच प्रोडक्ट एक्ट एस कैटालिस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप एक भी गड़बड़ हो गया मामला बिगड़ जाएगा थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इसमें कैल्शियम आइन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर कैल्शियम आइन को निकाल दिया जाए ब्लड से क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती तभी तो ब्लड बैंकों में हम चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक सोडियम सिट्रेट ठीक है पोटेशियम सिट्रेट ऑक्जिलेट ये कैल्शियम आइन को चिलअप कर देते हैं बाइंड अप कर देते हैं तो अगर ब्लड में से कैल्शियम आइन को रिमूव कर दोगे चिलअप करोगे बाइंड करोगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी लॉन्ग टाइम तक ठीक है ध्यान तो रखना इनको चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका कास्केट सिस्टम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा ठीक है एनसीआरटी की लाइन टू लाइन एकदम कंसेप्चुअल मैंने करा दी है ठीक है वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट अकरिंग इन ब्लड क्लॉटिंग तो सही इवेंट इन्होंने पूछा है तो आपको बताना है कन्वर्जन ऑफ तो सबसे पहले क्या होता है समझ गए हो गया आप थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन भाई स्टार्टिंग तो इनसे होगी फिर क्या काम करेगा ये करेगा नंबर टू कन्वर्जन ऑफ प्रोथोमिन टू थ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो क्या काम करेगा ये फ़िब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा जब कन्वर्जन हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा अरेंजमेंट कर दो उसका ठीक है यानी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड आता है लिम्फेटिक सिस्टम देखो मैं समझाता हूं इसको तो मैं सबसे लिम्फ होता क्या है अगर हम लिम्फ की बात करते हैं बेटा लिम्फ है क्या समझना होगा इसको थोड़ा सा समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ब्लड वेसल्स दिखा देते हैं अंदर लिम्फ लिम्फ वेसल्स हो गई ठीक है अब होगा क्या ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के बीच में हम दिखा देते हैं यहां पर टिश्यू और यहां इसके बीच में जो लिक्विड फिलअप होगा बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूड ठीक है ये तो क्या ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरी जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये क्या हो गया लिम्फ कैपिलरी जिसको स भी बोल सकते हैं ठीक है अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना यहां पर ब्लड फ्लो करेगा ये ब्लड डिफ्यूज होकर कहां आएगा कैपिलरी से डिफ्यूज होकर के ये बीच में इंट्रस्टिशन स्पेस होता है ये इंट्रस्टिशनल स्पेस ब्लड डिफ्यूज होकर कहां आ रहा है इंट्रस्टिशन स्पेस में आ रहा है यहां आ रहा है फिर से है? यह यहां से भी डिफ्यूज होकर कहां पहुंचेगा ये यहां से डिफ्यूज होकर पहुंचेगा लिम्फ कैपिलरी में यानी दो फिल्ट्रेशन हो गए दो बार फिल्टर हुआ ब्लड तो यहां से ब्लड फिल्टर हुए कहां पहुंचा इंटरस्ट्यूशल स्पेस में जहां पर क्या थे ये ये सब दिख रहे हैं आपको सेल्स या टिश्यू सेल्स लिख देते थे हैं ठीक है और ये अंदर जो फ्लूड भरा हुआ क्या है इंट्रस्ट्यूशल फ्लूड ये भी क्लियर है आपको ठीक है अब समझना मेरी बात तो ब्लड सबसे पहले इंट्रस्टल फ्लूड बनाएगा और इंट्रस्टिचल फ्लूड और फिल्टर होगा फाइनली इसके अंदर क्या बनेगा ले क्योंकि यहां पर क्या हुआ यहां से यहां तक आते आते ब्लड में से क्या क्या गायब हो गया भाई ब्लड में से आरबीसी गायब हो गए फिल्टर नहीं हो पाए यहां तक पहुंचते पहुंचते प्लस और आप क्या बोलोगे फ्लैटिलेट्स फिल्टर नहीं हो पाए यहां तक आते आते वो भी रह गए और क्या मैक्रो प्रोटीन ये भी फिल्टर नहीं हो पाए यहां तक रह गए यानी फाइनल यहां पर क्या क्या चीजें फिल्टर नहीं हो पाई आरबीसी प्लेटिलेट्स एंड मै मैक्रो प्रोटीन। तो जो बच्चा है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो अंदर इकट्ठा हुआ दिस इज अ लिम्फ तो लिम्फ क्या है लिम्फ इज अ फिल्टरेट ऑफ तो ब्लड ठीक है विच फॉर्म बाय ठीक है कैसे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसमें क्या क्या नहीं होता आरबीसी डिवाइड ऑफ आरबीसी प्लेटलेट्स एंड माइक्रोप्रोटीन एक बार समझ में आएगा लिम्फ बनता कैसे है तो भाई बॉडी में सारे फ्लूड चाहे वो सी एस एफ हो चाहे वो आइस में एक्वास ह्यूमर हो एटसेट्रा कोई भी हो सब ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही बनते हैं इस तरीके के फिल्टरिंग सिस्टम लगे हुए हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम है यही सिस्टम है जो लिम्फ को फॉर्मेशन का, का काम करता है तो लिम्फ क्या होता है समझ में आ गया होगा और लिम्फ का मेन रोल क्या होता है लिम्फ ब्लड और समझना सेल्स के बीच में कह सकते हो गैसेस और न्यूट्रिएंट के डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट के लिए या उसको समझ में हेल्प करता है इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड मिडिल मैन ऑफ समझ रहे हो ब्लड एंड टिश्यू तो ब्लड और टिश्यू या सेल के बीच का जो मिडिल मैन है विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड न्यूट्री तो लिम्फ क्या होता है समझ में आ गया होगा ठीक है अब एक चीज और समझा दू मैं जिस पर डायरेक्टली आप क्वेश्चन है इतना है जो मैं करा रहा हूं अब इसमें से काम बन जाएगा सारा का सारा ठीक e है इधर तो लिख देते हैं हम लिम्फ, इधर तो हम लिख देते हैं ब्लड इधर लिख देते हैं लिम्फ। क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व हो जाएंगे पूरा सिस्ट, लिंफेटिक सिस्टम की जरूरत तो नहीं है काम यहीं से हो जाएगा आपका सारा नीट के हिसाब से अब तो ब्लड क्या होता है ठीक है ब्लड का कलर कैसा होता है कलर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर बी सी आपको पता ही है ठीक है जबकि यहां क्या होता है कलर लेस ड्यू टू एबसेंस ऑफ आर बी सी भाई आरबीसी की एबसेंस की वजह से कलरलेस होगा ठीक है एक पॉइंट तो समझ में आ गया आपको दूसरा ध्यान रखना है आपको अगर मैं ब्लड की बात करता हूं समझना तो ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स प्रेजेंट होंगे प्लेटिलेट्स

यहां पर क्या होते हैं एबसेंट ठीक है ये बेसिक चीजें हैं बेसिक पॉइंट लिख रहा हूं ये वो बेसिक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन जाता है पूरा लिम्फेटिक सिस्टम तो खैर पूरे क्लास ही लगती है लिम्फेटिक सिस्टम में सही मैंने बता दूं पूरा डायग्राम बना करके पूरा सब उतना तो, तो खैर अभी एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा तो बेसिक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे लिफ्ट के कि लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है लिम्फ होता क्या है क्या वही समझाना चाह रहा हूं यहां पर ठीक है इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा सब कुछ एक जैसे ही होता है अंतर सिर्फ तीनों चीजों का होता है जो मैंने बता दिया ठीक है नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूड एंड ड्रेन इट बैक इन टू द ठीक है मेजर वेन यानी एक्चुअल में है क्या हमारी पूरी बॉडी में जो लिम्फ वेसल्स है वो फाइनली सारा लिम्फ कहां पर ड्रेन कर देती हैं हमारे मेजर यानी सुपीरियर वेना कहवा के अंदर यानी हमारे वेन्स के अंदर वेन से फिर आर्टरी आर्ट्री से फिर फिल्टर होकर दिखाया ना ब्लड से फिल्टर होकर कहां गया लिम्फेटिक सिस्टम में फिर लिम्फ से होता हुआ अगेन ब्लड में तो सर्कुलेशन चल रहा है लिम्फ ब्लड लिम्फ ब्लड लिम्फ ब्लड ये सर्कुलेशन है बेटा ठीक है फिल्टरिंग यूनिट लगी हुई है लिम्फ बन गया फिर लिम्फ घूम करके घूम करके फाइनली वेन्स में चला गया वेन्स से आर्टरी और आर्टरी से फिर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एंट्रोशिशियल फ्लूड लिम्फ फिर लिंफ घूमने चालू हुआ तो लिम्फ ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू बॉडी में रन हो रहा है ठीक है द फ्लूड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिंफ लिंफ इज कलरलेस फ्लूड कंटेनिंग ठीक है स्पेशलाइज लिंफोसाइट विच आर रिस्पॉसिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रीएंट हॉर्मोन एटसेट्रा ठीक है फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रो लिम्फ इन द लेक्टेज प्रेजेंट इन द इंटस्टनल विलाय मैं बताई चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ठीक है तो एनसीआरटी के हिसाब से तो मैंने मोर देन सफिशियंट कराई दिया ठीक है डिटेल सिस्टम की जरूरत अभी है नहीं हाँ, इतना हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम किस किस चीज से मिलकर के बनता है एक लाइन में हम करा देते हैं ये वाली बात तो अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करता हूं लिम्फेटिक सिस्टम इसमें क्या क्या आता है जो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे देखो एक तो लिंफ आएगा लिम्फ क्या होता है समझ में आ गया, आ गया आपको इसके अलावा क्या होते हैं लिम्फ कैपिलरी जिनको हम क्या बोलते हैं लैक्टल्स जिनके एंड कैसे होते हैं ब्लंट एंड ब्लंट एंड देखा होगा अभी इस तरीके से बंद था पीछे से खुला हुआ था तो ब्लंट एंड बोलते हैं ऐसे ठीक है बिल्कुल ब्लड कैपिलरी जैसी ही होती है ठीक है पर इनका पोर साइज थोड़ा बड़ा होता है और कोई अंतर नहीं होता इसके अलावा क्या होते हैं लिम्फ वेसल्स वेसल्स ब्लड वेसल्स सिमिलर होते हैं ठीक है पर लिम्फ वेसल्स में नंबर ऑफ वॉल कंपैरेटिव ब्लड वेल्स ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं ठीक है नंबर ऑफ वॉल्स या क्या होंगे ज्यादा होंगे कंपैरेटिव ब्लड अगर इसके अलावा हम बात करते हैं क्या होते हैं लिम्फेटिक डक्ट होते हैं लिम्फेटिक डक्ट लिम्फेटिक डक्ट की बात करते हैं दीज आर टू टाइप ये आप जानते हो एक होती है राइट थोरेसिक डक्ट एक होती है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट राइट right, लिम्फेटिक बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा right, क्योंकि थोड़ा से, क्यों, क्यों से आती है ठीक है ये दो होती बेटा मोटी डक्ट एक डक्ट तो लोअर साइड से लिम्फ को कलेक्ट करती है लेफ्ट वेना डॉ में खुल जाती है एक ऊपर से आती है राइट लिम्फेटिक डक्ट ये भी में खुलती है समझ रहे हो हेल्प ऑफ सबक्लेवियन वेन और फाइनली लिम्फ चला जाता है ब्लड के अंदर तो दो बड़ी डक्ट होती हैं जो अपर ये कलेक्ट कहां से करती है कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम अपर साइड कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम लोअर Side. ठीक है लिम्फेटिक डक के अलावा क्या होते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फ नोड्स, भाई लिम्फेटिक वैसे जगह जगह फूल जाते हैं इस तरीके से और लिम्फ नोड बन जाते हैं इस तरीके से जिनके अंदर क्या होते हैं आप बोलोगे मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं रेटिक्यूलोसाइट रेटिक्यूलो इट इज मैक्रोफेज प्रेजेंट इंड लिम्फ नोट इसके अलावा लास्ट में क्या होते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड होते हैं लिंफेटिक ग्लैंड आप जानते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इम्यून सिस्टम बहुत डिटेल में दे रखे हैं, या तो नहीं दे रखे प्राइमरी वो होते हैं जहां पर लिंफोसाइड का फॉर्मेशन और मेचुरेशन होता है तो कौन कौन से होते हैं प्राइमरी के अंदर समझ गए थाइमस प्लस रेड बोन मैरो सेकेंडरी में सब इसके छोड़ को जैसे स्पिन आ गया जैसे पेयर्स पैचेस आ गए जैसे माल्ट आ गए एटसेट्रा ये सब सेकेंडरी में आ गए पेयर्स पैचेस माल्ट मीकोसा एसोसिएटेड टिश्यूज प्लीन ठीक है फॉर्म फॉम टॉन्सिल्स सब जितने भी हैं बस इन दो को छोड़ के ऑल आर सेकेंडरी तो इसको डिटेल में हम पढ़ाते हैं इम्यूनोलॉजी में यहां तो बस बेसिक दे रखा था जो मैंने लिखा दिया था सफिसियंट है पर ये डिटेल्ड में है पूरी क्लास जाती है इसके लिए तो मोर देन सफिसियंट इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई अब देखो कुछ क्वेश्चन कंपेयर द ब्लड अवर लिंफ में हमारे लिफ में क्या क्या होता है मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी ना बेटा आरबीसी तो होते ही नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम में आरबीसी नहीं होते नो no प्लाज्मा भाई लिम्फ में क्या प्लाज्मा नहीं होता अरे प्लाज्मा तो होता है प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन भाई प्रोटीन तो होते हैं पर मैक्रो प्रोटीन नहीं होते मोर डब्ल्यू बी सी एंड नो आरबीसी यस लिम्फेटिक सिस्टम में डब्ल्यू बी सी बहुत होते हैं पर आरबीसी नहीं होते ओके okay, तो बेटा एक पार्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया लिम्फेटिक सिस्टम तक जो भी बेसिक कंसेप्ट थे आप शायद बिलीव करो या ना करो ठीक है क्योंकि आप ड्रॉपर्स हो तो आप समझोगे कि आपको हर वो बारीक से बारीक चीज एनसीईआरटी की लाइन हमने आपके ब्रेन में सेट की है मैं सच कह रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है कंसेप्ट बहुत जरूरी थे जो हमने एकदम सेट किए हैं क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटेजी है टोटली वो एम्स या टॉप रैंकर वाली स्ट्रेटेजी लेके चलाउं ठीक है चाहता हूं कि आप भी टॉप रैंकर्स बने बेटा ठीक है तो आप भी ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है तो क्वालिटी डाउन कर देंगे क्वालिटी आपकी डाउन नहीं है बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है मैं सच कह रहा हूं दम लगा करके फोकस करो रिजल्ट आएगा थैंक यू बेटा नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत कंसेप्चुअल है ध्यान रखना टोटल हर्ट हर्ट एक की एक एक चीज समझने की है तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वहां से तो क्वेश्चन हंड्रेड है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट